welcome to study iq i'm amit varadikulor and yes today we will be doing indian modern history for certain reasons In indian modern history this is the lecture number 16th मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम की बुक से कर रहे हैं हम old, uh, जो है, उसको भी फॉलो कर रहे हैं अगर आपको इन क्लासेस के पीडीएफ और आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपरग्राम हैंडल इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को करने के लिए हम जस्ट मोमेंट जस्ट हमने पिछले लेक्चर में इंडियन नेशनल मूवमेंट की और पर्टिकुलरली इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन है उसको स्टडी किया था आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस अठारह में बनी थी दिसंबर में बॉम्बे uh, में इसका जो है पहला सेशन हुआ था नाउ सिंस देन सिंस 1885 टिल 1950 कांग्रेस डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिक्स एंड रादर बेसिकली इट वाज काइंड ऑफ अ लीडर फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट आल्सो इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग-अलग फेजेस में डिवाइडेड है अलग-अलग फेजेस में इन द सेंस कि 1885 से लेके 1905 तक मॉडरेट फेज कहा जाता है व्हिच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर अगर आपको वो चाहिए तो स्टडी है क्योंकि YouTube चैनल के ऊपर स्पेक्ट्रम की जो प्लेलिस्ट है उसके द्वारा आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं कॉल्ड एज द मॉडरेट फेज इसको मॉडरेट फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो लीडर्स थे और उनके जो तौर तरीके थे प्रोटेस्ट करने के वो थोड़े से मॉडरेट थे लेकिन 1905 के बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की लीडरशिप है वो नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में चली गई नाइनटीन नॉट फाइव से लेकर उन्नीस सौ उन्नीस तक एंड दिस फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इज कॉल्ड एज दी एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म

उन्नीस उन्नीस तक जो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट थे एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जिन्हें कहा जाता है रिलेटिव टू दी मॉडरेट्स उनके बारे में पढ़ने का होगा अब जो ये है ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है एज इन कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो क्यों हुआ सबसे पहले राइट वील हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजन था कि जो uh, स्टाइल था फंक्शनिंग का स्टाइल था ये जो तरीका था एटीट्यूड था आइडियोलॉजी थी जो थॉट था एटीट्यूड था वो किस प्रकार से बदला था उसके कुछ बेहतरीन सिंपल सिंपल रीज़न है कि भारतीयों के जो पॉलिटिकली कॉन्शियस भारतीय थे उनके उस समय देर वर सर्टेन हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेज जिनसे उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया एजुकेशन की वजह से कुछ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस दूसरा ये जो नेशनलिस्ट

प्लेकेट करते रहे अब मॉडरेट्स के जो जितने भी सिस्टम थे जितने भी तरीके थे क्योंकि वो फेल हो गए दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो करता है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज अ वन इंपॉर्टेंट पर्सन लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इंडिया के वाइस रॉय थे और उनकी जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी दैट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ द मिलीटेंट नेशनलिज्म ये बात अंडरस्टैंड करेंगे बहुत ही सरल है इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि जो ये मिलिटेंट स्कूल जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं इसके बेसिकली टेनेट्स क्या हैं? वट डू दे एग्जैक्टली बिलीव इन टू इनका मानना क्या है किस प्रकार से ये आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे या अंग्रेजों से किस तरीके से ये लड़े थे दैट इज मेन आइडिया एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म का जो फोर फ्रंट पे आने का जो सबसे मेन रीजन था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल बंगाल एक उस समय इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था आज का बांग्लादेश आज का आसाम आज का बिहार आज का उड़ीसा और आज का वेस्ट बंगाल इस सारे के सारे एरिया को मिला के एक प्रोविंस था जिसका नाम था बंगाल 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड कर्जन के समय में डिसाइड किया कि बंगाल को पार्टीशन कर देते हैं लेकिन ये जो बंगाल का पार्टीशन था इसने बेसिकली इम्पैटस दिया इस मिलिटेंट स्कूल को ग्रो करने का ये एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत थी नाउ ये भारत की पहली मास मूवमेंट है जिसमें बेसिकली जो लोग हैं जो जनरल लोग हैं जो प्रेजेंट्स हैं है, या फिर जो लोग से दूर रहते हैं और भारतीय कॉन्शियसनेस एक्चुअली में धीरे धीरे जागना शुरू करती है हम देखेंगे कि बंगाल के पार्टीशन पर जो उस समय कांग्रेस का संगठन था उसका क्या विचार था वट वॉज देयर पोजिशन एंड हाउ डिड एक्सट्रीमिस्ट जो थे एक्सट्रीम

कैसे बाल गंगाधर तिलक ने जो पुराने ट्रेडिशनल फेस्टिवल हैं गणपति फेस्टिवल शिवाजी फेस्टिवल उनको री ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया था इन, इस तरीके से कि उसको नेशनल मूवमेंट के लिए यूज किया जा सके सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी एजुकेशन ये नए तरीके थे जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट फॉलो करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट एक प्रकार से प्रोटेस्ट करने के लिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आसानी से धीरे धीरे ये सारी की सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं begin, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यूपीएससी के स्टडी आई कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं दिस इज प्रॉबेबली दी मोस्ट परफेक्ट टाइम राइट नाउ टुडे इज दिवाली बायरी वेरी हैपी दिवाली टू ऑल ऑफ यू अगर आप दिवाली पे बेसिकली स्टडी आई का कोई भी कोर्स लेते हैं तो वो जनरल दिनों से बेसिकली स्लाइ, फीस के ऊपर अवेलेबल है जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप इस कोर्स पे जाएंगे study, .study पे एंड एडमिशन लेने के लिए आप नाउ पर क्लिक करेंगे प्रोमो कोड में कौन सा ये एग्जैक्टली वो आई सो सॉरी अमित लाइव You apply it and 17,499. Now, these prices are actually only available for the Diwali. So, in case you want to start your preparation on the day of the Diwali, then Shri Ram came back Ayodhya but obviously, it's a quite an auspicious occasion. Basically, the today is probably the perfect day to join a study IQ course. Till then, let's see what the history has to say about the militant nationalism. Era of the militant nationalism. मिलिटेंट नेशनलिज्म का एक पर्टिकुलर टाइम है जिसको हम इतिहास में क्लासिफाई करते हैं 1905 से 1919 के लिए 1905 से 1919 एक रेडिकल नए प्रकार का ट्रेंड स्टार्ट होता है नेशनलिस्ट अप्रोच का पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए जो कि 1890 के समय में इमर्ज होना स्टार्ट हुआ था वी अंडरस्टैंड कि 1880s और 1870s की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही थी अंग्रेजों के अगेंस्ट उसकी जो कलमिनेशन है वो होती है अठारह में 1885 में कांग्रेस बनती है डिमांड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में लॉ के दायरे में रहकर बेसिकली ब्रिटिशर्स डील किया करेंगे लेकिन अठारह के समय में कुछ जो रेडिकल जो नए लोग थे जो स्लाइटली यंगर लोग थे उनके दिमाग में एक नई अप्रोच थोड़ी सी स्लाइटली रेडिकल एंड स्लाइटली मोर अग्रेसिव अप्रोच बेसिकली बन के उभरने लगी यह वो भी टाइम था जब रेवोल्यूशनरी विंग देश के अंदर वो भी बेसिकली बन के उभरी रेवोल्यूशनरीज वो होते हैं जो कि बेसिकली आजादी पाना चाहते हैं बट थ्रू यूज ऑफ ए रेडिकल आइडियाज जैसे कि भगत सिंह हो गए जैसे कि चापेकर ब्रदर्स हो गए ये लोग बेसिकली जो टोटेलिटेरियन या जो डिक्टेटोरियल या फिर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स होती है उनके अगेंस्ट डायरेक्टली उनके अगेंस्ट अटैक करते हैं उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं इनका मानना है कि बेसिकली आज़ादी जो है वो मांग कर नहीं छीन कर ली जाती है ये जो दोनों रेडिकल अप्रोचेज थी मॉडरेट से जो अलग एक तो हमारे मिलिटेंट नेशनलिज्म की और एक जो ये रेवोल्यूशनरी विंग था जो भारतीय यूथ्स के अंदर उस समय डेवलप हो रहा था इसकी जो शुरुआत है वो 1890s के समय में होने लगी है ऑल दोस आइडियाज दैट बिलोंग टू देम वो 1890s में आना स्टार्ट होते हैं स्पेसिफिकली हम पहले ये स्टडी करते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीजन था कि ये नेशनलिज्म क्यों ग्रो हो रहा था द फर्स्ट वन द वेरी सिंपल वन इज द रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल देखिए ब्रिटिश रूल अप्रॉक्सिमेटलीज के अंदर स्टार्ट होता है 1760s से काम करता है 1850s, या तो वो प्रोविंसेस को डायरेक्टली रूल कर रहे थे या फिर प्रिंसली स्टेट्स के साथ उनके सब्सिडरी अलायसेस थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड सिंस एटीन जो मॉडरेट्स के द्वारा काम किया गया था जो ग्राउंड वर्क किया गया था उससे धीरे धीरे ब्रिटिश रूल की जो एक्चुअल नेचर है वो लोगों को समझ में आने लगी थी और जो ये ट्रू नेचर ट्रू नेचर और ब्रिटिश रूल का सिंपल सा मतलब ये है कि ब्रिटिश रूल इन वन वे और दर इज गोइंग टू बी डेमेजिंग टू द इंडिया मतलब कि वो भारत के इंटरेस्ट में होगा ही नहीं होगा किसी भी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी मॉडरेट moderate, मॉडरेट्स की उनको कभी भी कंसीड नहीं किया और आफ्टर अवाइल एक प्रकार की लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन सी डेवलप होने लगी कि दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू अस दे आर फॉरनर्स दे आर रूलिंग अस तो हमें और कोई बेहतर ज्यादा इफेक्टिव पोलिटिकल एक्शन करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे वी विल हैव टू फाइंड अ मोर इफेक्टिव मोड ऑफ द पोलिटिकल action. Also, ये भी बात बेसिकली लोगों को समझ में आने लगी कि अगर इंडिया को प्रोग्रेस के पाथ पर लेके जाना है तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही लेके जा सकती है एंड दिस आइडिया स्टार्टेड डेवलपिंग इन दिन नाइनटीज एटीन नाइन्टीज में धीरे धीरे कुछ कुछ लोगों को ये मानने कुछ कुछ लोग ये मानने लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है रादर अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है तो इंडियंस दैनसेल्स वुड एक्चुअली हैव टू तो पार्टिसिपेट इन द रूल इसके साथ साथ अठारह की जो इकोनॉमिक मिजरीज थी हंड्रेड से लेकर 1900 तक देश में जो इतने बड़े बड़े फैमीन्स हुए थे जिससे 90 लाख 9 मिलियन 90 लैक्स पर्सन एक्चुअली डाइड ये जो इकोनॉमिक मिजरीज थी ये डायरेक्टली ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो भारत को सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी की तरफ धकेले जा रही है रूल कैन एक्चुअली बेटर फॉर उस समय साउथ इंडिया में डेकन में उस समय लार्ज स्केल राय हुए थे पुणे बेसिकली पूरा का पूरा प्लेग से प्रताड़ित था एंड ब्रिटिशर्स का जो रिस्पांस था वो बेसिकली और ज्यादा सप्रेशन और और ज्यादा ऑपरेशन था ऑल दीज थिंग्स वर एक्चुअली वो जो ब्रिटिश का जो रूल है जो एक्सप्लोइटेटिव कैरेक्टर था ब्रिटिश रूल का सिर्फ उसको उजागर करने में हेल्प कर रहा था नाउ वर वाइड फैक्ट जब हम ये पढ़ते हैं कि इन 1890 से लेके, 1905 के बीच में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए तो वी विल अंडरस्टैंड हम देखते हैं कि सारे के सारे जो स्टेप्स थे वो वन वे और इंडियन इंडियंस के लिए डिसएडवांटेजियस है जो इंडियन के सिविल राइट्स को इंफ्रिंज uh, करते हैं या किसी प्रकार से भी कम करते हैं या उनको अवॉइड करते हैं अब इस पूरे के पूरे सीरीज में हमें दो तीन इवेंट पढ़ने हैं 1890 से लेकर 1904 तक 1892 में जो कि हमने कल किया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास किया गया लेकिन वो इंडियन काउंसिल एक्ट्स में मॉडरेट्स की जो डिमांड थी उनको कोई खास माना नहीं गया था इट वॉज कंप्लीटली डिससेटिफाइंग टू द एवरी इंडियन नेशनलिस्ट क्योंकि अंग्रेजों ने जो भी डिमांड्स रखी थी या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो लोगों को इंक्रीज किया था उसके बावजूद भी जो एक्चुअल पावर थी वो स्टिल गवर्न गवर्नर जनरल के हाथ में थी 1897 में द नाटू ब्रदर्स वर डिपोर्टेड विदाउट ट्रायल एंड तिलक एंड अदर्स वर इम्प्रीजेंट ऑन दिस चार्ज ऑफ सेडिशन 1897 सेवन एटीन का समय था कि जो पुणे महाराष्ट्र में बेसिकली एक बहुत मेजर प्लेग हुआ था और वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने बेसिकली उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया था सो देर आर टू ब्रदर्स जिनका नाम है चापेकर ब्रदर्स चापेकर ब्रदर्स ने उनको असैसिनेट कर दिया अंग्रेजों ने उनको ट्राई किया और उनको फांसी दे दी चापेकर ब्रदर्स की मदद की थी नाटू ब्रदर्स ने दो और भाई थे जिनकी ब्र... नाटू ब्रदर्स ने जिनकी मदद की थी उनको बिसी

156 के ताकि बेसिकली किसी भी प्रकार का कोई भी लेख जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हो या गवर्नमेंट के एक्टिविटीज के अगेंस्ट हो उस आदमी को जेल के अंदर डाला जा सके बहुत ही सरलता से अठारह में द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन कलकत्ता कॉरपोरेशन बेसिकली रिड्यूस 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास किया गया था और 1904 में ही लॉर्ड कर्जन के समय में ये दोनों के दोनों 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था इन दोनों एक्ट का फर्क ये था कि जो ब्रिटिश कंट्रोल है यूनिवर्सिटीज की तरफ वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया था नाउ स्पेसिफिकली ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल विच इज डिस्क्राइब फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग पोलिटिकल रेवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट हमेशा यूजुअली उस समय में उन्नीस सौ में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पास किया गया एक लॉ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जिसका मेन उद्देश्य था कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए क्यों क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो थी वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज को पैदा कर रही थी साथ ही साथ ब्रिटिश रूल वॉज नो लॉन्गर प्रोग्रेसिव सोशली एंड दी कल्चरली इट वॉज सप्रेसिंग द स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन स्पेसिफिकली द टेक्निकल एजुकेशन एटीन में ब्रिटिश यूज टू क्लेम कि उनका जो मेन उद्देश्य है वो भारत को सिविलाइज करना है अंडर द थियोरी ऑफ द्ट मैं बर्डन व्हाइट मैं बर्डन व्हाइट मैं बर्डन के अकॉर्डिंग ये है कि अंग्रेज यानी कि यूरोपियंस जो हैं वो थोड़े से सिविलाइज्ड हैं और इंडियन जो नेटिव जो हैं, दे आर नॉट सिविलाइज्ड, सो ये उनकी ड्यूटी है ये उनके ऊपर बर्डन है कि वह बेसिकली हमको सिविलाइज करे बट सिंस एटीन सेवनटीज़ एटीन एटीज़ एटीन नाइनटीज़ ये जितने भी सारे लॉज हैं जितने भी सारे इवेंट्स हैं उनसे ये पता चल रहा था कि अब अंग्रेजों का जो रूल है वो सोशली और एजुकेशनली भी किसी प्रकार की प्रोग्रेसिव करने प्रोग्रेस करने के लिए तैयार नहीं है रादर अब हम सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लीट इकॉनमी कॉलोनियल इकोनमी बन चुके हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है हाउ टू गेट प्रॉफिट एंड हाउ टू ड्रेन द वेल्थ ऑफ इंडिया टू द ब्रिटेन ऑल दीज थिंग्स ये जो इवेंट्स हैं स्लोली स्लोली जो कि हम इसको सिंपल दूर दूर से पढ़ रहे हैं इन इवेंट्स इन इवेंट्स का बेसिकली एक लंबा इंपैक्ट होता गया और वो लंबा इंपैक्ट होता है उस समय के जो पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडियंस हैं उनको जगाने के लिए और उनको और ज्यादा रेडिकलाइज एंग्री और अग्रेसिव करने के लिए देखिए जैसे अठारह में चापेकर ब्रदर्स ने जो असैसिनेशन की थी उसके सपोर्ट में जब बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा कि आ, आ, माना उन्होंने जो किया है गलत किया है लेकिन कई बार लोगों को हथियार उठाने पड़ते हैं ऐसा उन्होंने कुछ लिखा था इसी बेसिस पर उसके उनके ऊपर लगाया गया बट जो 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 एंगर था ये जो अग्रेशन था ये अग्रेशन इसका मेन स्पेसिफिक रीजन अंग्रेजों के द्वारा की की गई ये सारी, की सारी थी। जिसकी से उस समय मिलिटेंट स्कूल ग्रो करता है इंडियंस दे स्टार्टेड रूलिंग इट विदरिटी कॉम्प्लेक्स एंड डाउन द लाइन कहीं ना कहीं पे भारतीयों को बेसिकली, उनके द्वारा फैलाए गए बेसिकलीपोगेंडा पे यकीन भी हो गया था लेकिन in 1870s, 1880s, 1890 के के समय में एक self -effort के एक द्वारा खुद के अंदर की हमारी सिविलाइजेशन और हमारी कल्चर जो है वो एक में है। जो Indians के जो के कैरेक्टर हैं जो कैपेसिटीज हैं वो इक्वल है किसी भी प्रकार के यूरोपियन किसी भी वाइट मैन से एंड धीरे धीरे मासिस के अंदर ये, आइडिया डेवलप होने लगा कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो बैटल है दे कैन बी फॉट अगर हम खुद खुद सेक्रीफाइस करेंगे तो इफ इंडियंस कैन मेक सेक्रीफाइस देन वी विल एक्चुअली विन फ्रीडम इवन अगेंस्ट पावरफुल कॉलोनियल गवर्नमेंट ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट था इसकी डेवलपमेंट वन ऑफ़ द मेन रीजंस बनी है कि द इंडियन नेशनल इन द इंडियन कल्चर इन द इंडियन आर्ट और समय में आया था एंड नेशनलिस्ट the जो भी थे उस एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप जो थी उन्होंने इसी को यूज किया था भारतीयों की कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए एजुकेट करने के लिए प्रोपोगेंडा के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दी कॉलोनियल रूल्स ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इसके साथ साथ अगेन ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया एजुकेशन का एक स्पेसिफिक फायदा यह हुआ कि जो एजुकेशन थी वह वो धीरे धीरे मासिस के बीच में भी फैलने लगी थी बट ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट चारों तरफ बढ़ रही थी सो दिस क्रिएटेड ए सीचुएशन वेर पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड बट पीपल आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जो डायरेक्ट उसका कंक्लूजन था कि ये जो अंडर डेवलप्ड स्टेट है इंडियन इकॉनमी की कंट्री की ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल की वजह से है इसकी वजह से जो नेशनलिस्ट थे उनके अंदर जो डिसकंटेंट पहले से बन रहा था वो थोड़ा सा और ज्यादा बॉयल अप होने लग गया तो जो मॉडरेट्स थे वो मानते थे कि ब्रिटिश रूल इज एक्चुअली गुड फॉर इंडिया वी जस्ट नीड टू प्रेजेंट आवर डिमांड्स बट दीज सेवरल फीचर्स एजुकेशन का बढ़ना लेकिन साथ ही साथ उनकी पॉलिसीज़ की वजह से बनी हुई एम्प्लॉयमेंट या फिर जो मिजरीज थी या जो इकोनॉमिक बैंक्रप्सी हो रही थी भारत की इन्होंने लोगों को बेसिकली बहुत क्लियर से मिरर दिखा दिया कि व्हाट ब्रिटिशर्स आर डूइंग टू और वो डिसकंटेंट था रेडिकल नेशनलिस्ट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस जब भी कोई ऐसी बड़ी चीज होती है उसके साथ साथ कई सारे और वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग दोस्ट टाइम अगेन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं चल रही थी इंटरनेशनल भी बड़े सारे से इवेंट हो रहे थे मैन वी सी इट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव हमसे कभी भी डायरेक्टली ये इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं पूछे जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में बट आपको हल्का सा याद रहना चाहिए वाइल डिस्कसिंग कि मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों ग्रो कर रहा है तो हमें कुछ दो तीन चार पाँच जो इंटरनेशनल इंफ्लुएंस हैं उनको भी समझना चाहिए 1868 के बाद 1868 के बाद जापान ने एक बड़ी सुपर तरीके से बहुत स्पीड से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाई वन विच हैपन इन 1800 हंड्रेड इन यूरोप वो एटीन के बाद जापान ने स्टार्ट की और विद इन थ्री डेकेड्स वो एक इंडस्ट्रियल पावर बनकर उबला उभरा

एग्जिस्ट नहीं करती है एशियंस में कि कोई पर्टिकुलर इसके अंदर फर्क हो और ये एग्जाम्पल सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया जपनटीन सेवन अठारह सौ सत्तर के बाद 1870 के बाद जापान की जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस थी वो बेसिकली यूरोप के लेवल पर पहुंच गई विद इन फ्यू डेकेट दिस थिंग द कि यस दिस इज पॉसिबल दिस थिंग द सेम थिंग कैन री इवेल्युएटेड री एमुलेटेड इन इंडिया ऑल्सो साथ ही साथ इटालियन आर्मी को इथियोपिया ने डिफीट डि किया अठारह में बोर वॉर्स बोर वॉर्स के अंदर बेसिकली ब्रिटिशर्स को कई सारे से बैक ट्रैक उनको रिवर्सिस फेस करने पड़े थे जापान कि रशिया से लड़ाई हुई थी 1905 में और रशिया बेसिकली थोड़ा सा यूरोप के साथ भी मिलता है तो इट वाज सीन एज एन एशियन कंट्री डिफीटिंग यूरोपियन कंट्री तो ये जो इटली का हारना था बोर वॉर्स के अंदर जो ब्रिटिशर्स की इनवेंसिबिलिटी चैलेंज हो गई थी जापान का जो रशिया को हराना था दिस बेसिकली रिमूव द मिथ कि यूरोपियंस आर बेसिकली इनविंसिबल उससे पहले पिछले कुछ पूरी की पूरी सेंचुरी सेवलप है और बेसिकलीस रेगुलरलीउटसाइड बट दीज इट इन दास्ट डेकेड ऑफीन सेंचुरी ऑब्वियसली क्लियरली कि ऐसा कोई मिथ नहीं, नहीं है यूरोपियंस आर नॉट एब्सोल्यूटली मतलब सुपीरियर नहीं है ना ही इनविन है दे कैन बी डिफीटेड इन दी राइट वैनर इसी प्रकार से जो नेशनलिस्ट थे हमारे जो भी वर्ल्ड में चारों तरफ और अलग अलग मूवमेंट्स चल रही थी आयरलैंड में रशिया इजिप्ट टर्की पर्शिया और चाइना में ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स बने इंडियंस को भी यूनाइट करने के लिए इफ अदर पीपल आर डूइंग इट वी कैन डू इट एक इसमें एक बड़ी प्यारी सी एक एनोलॉजी होती है लाइक देर वॉज अ थिंग कि कैन अ मैन रन वन माइल विद इन फोर मिनट्स क्या कोई आदमी एक माइल का डिस्टेंस चार मिनट के अंदर अंदर रन कर सकता है दौड़ सकता है नाउ बिफोर नाइनटीन फिफ्टीज इट वॉज बेसिकली अंडरस्टूड कि ऐसा इम्पॉसिबल है दिस इज प्रॉबेबली नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन कैपेसिटी ह्यूमन से ये पॉसिबल नहीं होगा इवन उस समय के जो साइंटिस्ट हैं जो भी जितने भी फिजियोलॉजिकल हैं स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका भी मानना था कि ये ह्यूमन लिमिट है बेसिकली कोई भी ह्यूमन एक माइल को चार मिनट के अंदर अंदर नहीं दौड़ सकता है बट देन ऑन अ वेरी वन रैंडम डे समबडी डिड इट और जैसे ही किसी ने किया

दैट ऑल्सो गेव दस टू दी मिलीटेंट स्कूल साथ ही साथ जो हमारा जो नेशनलिस्ट है मिलीटेंट नेशनलिज्म है वो ग्रो हुआ था वेस्टर्नाइजेशन की वजह से एक रिएक्शन था नई जो जनरेशन थी जो स्वामी विवेकानंद हो गए दयानंद सरस्वती हो गए बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पॉल ये जो नई जनरेशन थी मिलीटेंट स्कूल की मिलीटेंट नेशनलिस्ट स्कूल की ये उस समय होने वाले वेस्टर्नाइजेशन को अपोज करते थे दे सेंसड कि बेसिकली जो कॉलोनियल्स जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर ट्राइंग टू सबमर्ज दे आर ट्राइंग टू ड्राउन द इंडियन नेशनल आइडेंटिटी तो वो इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिटिश एम्पायर की पुअर कॉपी बनाना चाहते हैं उनके जो आइडियाज़ हैं उनकी जो कल्चर है उनकी जो आर्ट है, है बस उसका एक प्रतिबिंब उसकी एक रिफ्लेक्शन बनाना चाहते हैं और इन सब में दिस वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द इंडिया इज बेसिकली मेकिंग द इंडियंस लूज देयर एक्चुअल ओरिजिनल आइडेंटिटी And that's this reaction. This situation gave a reaction to the Indian nationalist. Intellectual and the moral inspiration of the new leadership was the Indian. यानी कि इंडिया के जो ये नेशनलिस्ट लीडर है मिलिटेंट लीडरशिप जिनके बारे में बात करेंगे ये सारे के सारे भारतीय होने में प्राउड फील करते थे प्राइड फील करते थे और भारतीय आर्ट भारतीय कल्चर के साथ अपना इंटेलेक्चुअल मॉरल सपोर्ट आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करते थे स्वामी विवेकानंद बंकिम चंद्र चटर्जी स्वामी दयानंद सरस्वती ये सभी सब इन्हीं नेशनलिस्ट की इंस्पिरेशन बने इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए इन्होंने वेदाज के आर्ग्यूमेंट दिए गीताज के आर्ग्यूमेंट दिए इंडिया की हिस्ट्री के आर्ग्यूमेंट दिए और जो भारत का पास्ट था द एंशियंट इंडिया उसको थोड़े से बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया अगेन द आइडिया वॉज द सेम कि जो प्रोपोगेंडा था ब्रिटिशर्स का पिछले सौ सालों से इन ऑफ देयर ओन सुपरियोरिटी ऑफ हैविंग अ बेटर कल्चर उसको डिसमेंटल करने में इन्हीं सभी लोगों ने बेसिकली कंट्रीब्यूट किया था एंड दे रोज एज ए रिएक्शन टू दी वेस्टर्नाइजेशन तो जो ये वेस्टर्न सुपीरियोरिटी है इसकी मिथ को कंप्लीटली एक्सप्लोर किया गया था बाय

वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये एक्सट्रीमिस्ट स्कूल जो है ये क्यों डेवलप हो रहा है क्यों बनकर उभर रहा है इट इज ए वेरी सिंपल थिंग राइट बहुत ही सरल है

उनको पता नहीं है अगर उनको पता दिया जाए तो दे विल एक्चुअली बी गुड रादर दे बिलीव कि ब्रिटिशर्स के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन रखना भारतीयों के हित में है इंडिया के हित में है बट दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू ये धीरे धीरे देर इज अ लॉन्ग ईयर लॉन्ग टाइम ऑफ टू डेकेड्स दो डेकेड्स के इस टाइम के बाद देर वॉज अ ग्रुप जो कि कंप्लीटली इस बात से फ्रस्ट्रेट हो चुका था बिकॉज मॉडरेट्स एक्चुअली फेल्ड

थोड़ी सी ज्यादा रेडिकल और थोड़ी सी ज्यादा मिलिटेंट थी ये जो यंगर एलिमेंट्स थे कांग्रेस के दे वर बेसिकली विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स 15 से 20 साल का समय उन्होंने लिया था लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन बेसिकली जो थ्री पीज होते हैं प्रेयर पेटिशन एंड प्रोटेस्ट इससे कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं ले पाए वो बेसिकली उसको डेरोगेट करते थे कि जो मॉडरेट्स का प्रेयर प्रेयर पेटिशन और प्रोटेस्ट का तरीका है दिस इज जस्ट बेसिकली पॉलिटिकल नाउ देखो जब भी हम किताब पढ़ें हमेशा दो तरीके से हर एक सेंटेंस को हर एक इंफॉर्मेशन को सीख करना चाहिए एक तो प्रम्स के तरीके से एक मेंस के तरीके से नाउ आई एम गिविंग यू एन आइडिया जैसे कि नेशनलिस्ट uh, जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट थे उन्होंने मॉडरेट्स को डिस्क्राइब मॉडरेट्स के मैथड को डिस्क्राइब किया एज पॉलिटिकल मैंडिक डिस्कस दिस अगर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ या मेन्स में किसी दिन आपके सामने किसी किसी एग्जाम में सवाल आ जाता है कि देश मिलीटेंट नेशनलिस्ट डिस्क्राइब दी मैथड्स ऑफ मॉडरेट्स एज ए पोलिटिकल मैंडिकेन्सी हाउ आर यू गोइंग टू डिस्क्राइब इट बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सरलता से मॉडरेट्स का क्रिटिसिजम पूछा गया है जो कि मिलीटेंट नेशनलिस्ट के द्वारा किया गया है इस क्वेश्चन में हमें सिंपल एक्सप्लेन करना है कि मॉडरेट्स कौन हैं और मॉडरेट्स के काम करने के क्या तरीके हैं विल यूज दिस जार्गन वर्ड्स लाइक प्रेयर पेटिशन एंड द प्रोटेस्ट एंड देन वी विल टेल कि बेसिकली मॉडरेट्स ने कुछ अचीव नहीं मतलब they did achieve a lot of things however unki jo success thi wo bahut zyada substantial nahi thi this frustrated the younger generation aur unhone naye radical jo tarike the radical methods the jinko abhi hum padhenge unko apnana start kar diya and because they were frustrated with the they were dissatisfied with the achievements of the moderates hence they actually used to call कि उनके जो methods हैं वो सिर्फ और सिर्फ political mendicancy कैंसी हैं बेसिकली वो कुछ काम करने के लिए काम नहीं आ रहे हैं दे आर जस्ट Slowing down the progress. They are just slowing down the progress. Welcome to study IQ. रियक्शनरी ऑफ दर्जन देखो यह क्वेश्चन जिसकी वजह से मिलिटेंट नेशनल डेवलप होता है अठारह सो निन्यानवे से उन्नीस सौ पांच तक भारत का वॉइस रॉय रहा था वॉज दॉय ऑफ इंडिया एंड टू पुट इट वेरी माइल्डली ही वॉज अ रेसिस्ट पर्सन मतलब आई थिंक इन देंस आप उसको कह सकते हो और ये इंडियंस को इन्फीरियर समझता था एंड ही हैड नो लव फॉर इंडियंस और इसकी जो भी पॉलिसीज थी वो एक जो 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 होता है उसके प्रकार थी इसकी जो थी इसकी भी पॉलिसीज उसकी वजह से डिसकंटेंट था नेशनलिस्ट का वो और ज्यादा बढ़ता गया अब देखिए एक बात बताते हम सबसे पहले इसने सात साल तक बेसिकली इंडिया का ये वाइस रॉय रहा था और उस समय कई सारे से मिशन कमीशन और रोमिशन हुए थे ही रिफ्यूज टू रिकॉगनाइज इंडिया एज ए नेशन पहली बात इंसल्टेड इंडियन शनलिस्ट एंड इंटेलिजेंसिया बाई डिस्क्राइबिंग दियर एक्टिविटीज एट दी लेटिंग ऑफ ऑफ गैस मतलब इसका जो एटीट्यूड है आप उसको देख के समझ सकते हैं कि वट काइंडर्सन ही इज लॉर्ड कर्जन के बारे में यूपीएससी कई बार रेगुलरली हर पांच छह साल में एक आधा क्वेश्चन पूछ ही लेता है किसी प्रकार से मीन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो थोड़ा ध्यान से सुनते हैं इसका मानना है कि इंडिया एक कोई नेशन वेशन है नहीं ये बड़े सारे से मल्टीपल मल्टीपल डाइवर्स एरियाज है ये तो ब्रिटिश एम्पायर है जो कि इनके ऊपर रूल कर रहा है जो भी इंडियन नेशनलिस्ट है जो भी कांग्रेस uh, के जो भी लीडर्स हैं वो कोई खास लोग नहीं है बस बेसिकली चिल्लाते रहते हैं ब्ला, 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 ब्ला करते हैं दे आर जस्ट लेटिंग ऑफ ऑफ देर गैस और कोई ज्यादा कोई खास बात नहीं है साथ ही साथ इंडियन कैरेक्टर के लिए ये डेरोगेटरली बात करता था इंडियन कैरेक्टर कुछ नहीं है भारतीयों के अंदर इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे और ये याद रखने हैं ये आपसे बिल्कुल क्लियर कट पूछा जा सकता है कौन कौन से द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थे जो कि इसके समय में लिए गए थे इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी के लिए जानना जरूरी है कि वन वे और दर दे यूज टू इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड यूज टू टेक पावर फ्रॉम द इंडियंस बेसिकली यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट ये सारी की सारी जो चीजें थी उसमें जैसे कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट में वही कलकत्ता की जो कॉरपोरेशन है उसमें से इंडियंस को कम कर दिया गया इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट में जो वहां के वाइस चांसलर हैं जो यूनिवर्सिटीज के जो मेंबर

एग्जिस्टेंस ऑफ ए मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट और साथ ही साथ देखिए हमारा जो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट है वो नाइनटीन नॉट फाइव से नाइनटीन नाइनटीन के बीच में उस फेज को मिलिटेंट नेशनलिज्म का समय माना जाता है लेकिन ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये अचानक से रैंडमली रैंडम किसी एक दिन अचानक से 1905 में डेवलप नहीं हो जाता है रादर इसके जो बेस है इसका जो ग्राउंड वर्क है वो पहले से एग्जिस्ट करता है धीरे धीरे कई सारे से नेशनलिस्ट थिंकर्स इस प्रकार से अप्रोच कर रहे थे या एडवोकेट कर रहे थे कि थोड़ा सा पॉलिटिकल वर्क के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा इफ़ वी एक्चुअली वॉन्ट सक्सेस तो ये प्रेयर पेटिशन प्रोटेस्ट वाले जो तरीके हैं वो नहीं चलेंगे हमें कुछ और वी विल नीड टू इंक्रीज हमें कुछ ना कुछ और अपने पॉलिटिकल वर्क को तरीके को बदलना पड़ेगा अब मिलिटेंट स्कूल के जो लोग हैं उनके नाम हमें याद रहने चाहिए राज नारायण बोस अश्विनी कुमार दत्ता और बिंदु घोष बिपिन चंद्रपाल बंगाल में विष्णु शास्त्री चिपलंकर और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और लाला लाजपत राय पंजाब में बाल गंगाधर तिलक राधर एक्चुअली में मिलिटेंट स्कूल का सबसे बेहतरीन सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव बन उभरते हैं इस टाइम में ठीक है ये नाम धीरे मतलब ऐसे कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है ये नाम धीरे धीरे हम जब किताबों को रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद हो जाएंगे बट येस यू विल हैव टू पुट अ लिल बिट एफर्ट कि कौन किस चीज़ से एसोसिएटेड है कि भाई राज नारायण बोस ने बेसिकली एक्चुअली में कौन सा काम किया है देर वुड बी सम पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट्स विच इज कनेक्टेड टू हिम तो जैसे बाल गंगाधर तिलक से कोई पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो कनेक्टेड है एटीन में ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स को रिवाइव करते हैं गणपति और शिवाजी को अठारह में ये बेसिकली चापेकर ब्रदर्स और टू ब्रदर्स के सपोर्ट में एक लेख लिख देते हैं जिसकी वजह से इनको सेडिशन में छः अठारह महीने की जेल हो जाती है 1905 में बेसिकली आ, ये एंटी पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट को बेसिकली प्रोपोगेट करते हैं 1907 के सूरत स्प्लिट में ये एंगेज्ड हैं उसके बाद आ, 1908 9 में इनको दोबारा से सेडिशन के लिए 6 साल की फिर दोबारा से 1908 में सडिशन के लिए फिर दोबारा से 6 साल की सजा आ, दे दी जाती है और इनको बर्मा भेज दिया जाता है एंड देन आफ्टर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टीन ही अगेन पिक्सअप द्रेड ऑफ द रेवोल्यूशन सो हर एक जो हमारे इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके स, उसे संबंधित जो जो हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या मोमेंट्स हैं यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि जैसे ही बाल गंगाधर तिलक के बारे में सोचो तो झट से अठारह सौ तिरानवे से लेकर उन्नीस सौ सत्रह तक के जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जारगंड वर्ड्स हैं वो आपको इमीजिएटली याद आ जाने चाहिए एंड दैट शुड यूजली हैपन विद ऑलमोस्ट ऑल अब सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है देखिए पूरे के पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में अप्रॉक्सीमेटली बीस बड़े लीडर्स हैं ठीक है बीस सिर्फ बीस बीस में क्योंकि पंद्रह के करीब है पंद्रह बड़े लीडर हैं जिनके बारे में जो सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हैं या जो वर्ड्स जो जो भी हैं उनको याद करना है और उसके बाद एटलीस्ट पच्चीस जो है वो थोड़े से क्या नाम है सेकेंड वाले हैं जिनके बारे में कोई ना कोई एक एक इवेंट होता है ज्यादा नहीं होते एक एक इवेंट सो so, हम किसी भी एग्जाम के लिए 40 फ्रीडम फाइटर्स से संबंधित उनके लाइफ में हुए हिस्टोरिकल इवेंट्स को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं राइट इफ यू सी इट लुक इट फ्रॉम दैट परसपेक्टिव क्योंकि वैसे अगर ओपनली सोचोगे तो ऐसा लगता है कि चार पांच याद करने हैं 15 आर दी टॉलेस्ट लीडर जिनकी हिस्ट्री के बारे में जिनके बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरह से एंड 25 जो है उनके सिंपल एक एक हिस्टोरिकल इवेंट्स होता है सारे आसानी से याद हो जाएंगे कुछ कुछ रिवाइज करने के बाद देखो मिलिटेंट स्कूल क्यों बना ये हमने देख लिया डिड एक्चुअली इट स्टार्टेड ग्रोइंग क्योंकि हमें इसी के बारे में पढ़ना है इस समय कि अट्ठारह सौ सॉरी उन्नीस सौ से उन्नीस तक मिलिटेंट नेशनलिज्म स्कूल जो है वो डोमिनेट कर रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमने देखा कि यार जो ब्रिटिशर्स के जो नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल है वो धीरे धीरे लोगों के सामने आना लगा एजुकेशन का जो था विस्तार हुआ वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट रिएक्शन हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी भारतीयों की इंटरनेशनल इन्फ्लुंसिस भी थे इटली को इथियोपिया ने हरा दिया था बोर वॉर्स में ब्रिटिशर्स को रिवर्सिस हो रहे थे रशिया को जापान ने हरा दिया था एंड रशिया दो इट इज एशियन कंट्री बट इसमें थोड़ा सा वो यूरोपियन में भी पार्ट आता है तो इट वॉज सीन एज एन एशियन कंट्री डिफीटिंग यूरोपियन कंट्री सो ऑल दिस थिंग्स ऑल दीज इवेंट्स बेसिकली आर हेल्पिंग इन इंट्रोड्यूसिंग दैट काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि इंडियंस कैन ऑलसो डू दिस जापान एक इंडस्ट्रियल पावर बन के उभरा विद इन लास्ट थ्री डेकेट्स ऑफ द दाइनटीन सेंचुरी दिस ऑल्सो गेव कॉन्फिडेंस टू द इंडियंस दैट इफ द इंडियज कैन डू इट वी कैन ऑल्सो डू इट

और उसकी जो अलग अलग पॉलिसीज थी जैसे कि इंडियन ऑफिशियल्स एक्ट उसने पास किया इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट उसने पास किया कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट जो उसने पास किया उन सब का बेसिकली पर्पस ये था कि इंडियन से पावर को छीन के बेसिकली ब्रिटिशर्स के हाथ में ले लेना एंड लास्ट में विच वॉज दी लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक इज बेसिकली दार्टीशन ऑफ द बंगाल उसने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर किया अनाउंस किया इंडियन नेशनलिस्ट ऑल मॉडरेट्स एंड बेसिकली ब्रिटिशर्स के एक्चुअल रियल इंटेंशन डिवाइड और रूल करने हैं अब हम बात करेंगे कि जो ये मॉडरेट्स थे ये प्रेयर पेटिशन प्रोटेस्ट में यकीन किया करते थे लेकिन व्हाट एग्जैक्टली डिड दिस मिलिटेंट स्कूल ये क्या मानता था देखो इनमें थोड़ा सा धीरे धीरे अब डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाएगा बेसिक टेनेंट के अंदर जो uh, हमारा मिलिटेंट स्कूल है इट अ बेसिक हेटरेड फॉर दिन रूल

मॉडरेट्स का मानना था कि भारतीयों को प्रोग्रेस करने में ब्रिटिशर्स हेल्प कर सकते हैं सो हम ब्रिटिशर्स से हेल्प लेकर प्रोग्रेस करते हैं लेकिन मिलिटेंट नेशनल स्कूल जो ये है ये मानता है कि इंडियंस को अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी रादर ब्रिटिशर्स आर ओनली गोइंग टू डैमेज इसके साथ साथ ये स्वराज बिकेम गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1905 के बाद एक आइडिया डेवलप होने लगा स्वराज का अगेन स्वराज को यह मत समझिएगा कि इंडिपेंडेंस है या फ्रीडम मूवमेंट है फ्रीडम नहीं मान रहे हैं स्वराज का यह मतलब है सेल्फ रूल सेल्फ रूल का मतलब क्या हुआ सेल्फ रूल का मतलब यह हुआ कि जो ये

देन एक्सट्रीमिस्ट जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उस चीज को इवॉल्व करते हैं जैसे कि स्वराज इंडियंस की जो जन, जो डेस्टिनी है वो इंडियंस के हाथ में होनी चाहिए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिफॉर्म्स नहीं मांग रहे हैं रादर वो कह रहे हैं ब्रिटिशर्स को कि लेट अस रूल अवर सेल्फ दो ब्रिटिश वुड स्टिल रिमेन दिसन लेकिन हम भारतीयों को अपने आप पर रूल करना चाहिए एंड इन द थर्ड स्टेज दिस ऑल्सो कंप्लीटली चेंजेस पूर्ण स्वराज की भारत भारत बेसिकली अंग्रेजो भारत छोड़ो

अगेन सिर्फ और सिर्फ कंपेरेटिवली अगर आप इसमें से एक याद कर लो मॉडरेट्स के टैनेट्स याद कर लोगे मॉडरेट्स के तौर तरीके याद कर लोगे तो सारे के सारे एक्स्ट्रीमिस्ट के याद हो जाएंगे एक्स्ट्रीमिस्ट के याद कर दोगे तो इसके रिस्पॉन्स में कम्पेरेटिवली रिलेटिवली ब्रिटिश उसके न, दूसरे वालों के याद हो जाएंगे मॉडरेट्स के बिलीव इन दपैसिटी ऑफ द मासिस टू चैलेंज दी अथॉरिटी ये पहली बार एक और टर्निंग पॉइंट आता है मॉडरेट्स मासिस में बिलीव नहीं करते थे उनको लगता था कि वो इलिटरेट है इग्नोरेंट है तो वो बेसिकली हमारी मूवमेंट को कम कर सकते हैं और बेसिकली वीकन कर सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट हैं ये मानते हैं कि बेसिकली मासिस आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर पावरफुल एंड दे नीड टू बी इन्वॉल्व उनको एजुकेट करना पड़ेगा उनको समझाना पड़ेगा कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए क्यों खराब है एंड

बेसिक टेनेंट्स द सेम अपोजिट टू द मॉडरेट मॉडरेट इसके अपोजिट मानते हैं वो फॉरन रूल को सपोर्ट कर रहे हैं लॉयल है वो स्वराज नहीं मांग रहे बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मांग रहे हैं वो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शंस में नहीं यकीन करते प्रेयर और पटिशन में यकीन करते हैं दे डू नॉट बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेज एंड दे नेवर यूज टू टॉक अबाउट द पर्सनल सेक्रीफाइज रादर दे यूज टू बिलीव कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे सपोर्ट में ही है वी जस्ट नीड टू टेल देम हाउ टू डू इट बेटर इसके साथ साथ एमरजेंस ऑफ ए ट्रेन लीडरशिप मॉडरेट्स का एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन द्वारा जो काम किया गया इससे नई जनरेशन ट्रेन हो गई उनका जो ये पॉलिटिकल पेटिशन करने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने का जो ब्रिटिशर से एंगेज करने का तरीका था ये नई जनरेशन ने सीखा तो नई लीडरशिप बन गई और ये जो नई लीडरशिप थी इन्होंने देखा कि मासिस के अंदर बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रगल का बेसिकली पोटेंशियल है उसको प्रोजेस्ट करते हैं और उसको धीरे धीरे जो एक्सप्रेशन था जो अगर अच्छा मासिस के अंदर कोई पोटेंशियल है उसको किसी प्रकार से एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट कौन करेगा तो ये मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे इन्होंने रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया और वो जो पहली बार जो वो रिप्रेजेंटेशन है जो मासिस के डिसकंटेंट का जो पहला एक्सप्रेशन है दैट केम इन टू दार्टीशन ऑफ द बंगाल द पार्टीशन ऑफ द बंगाल विच द फॉर्म ऑफ द स्वदेशी एजुटेशन है क्या पार्टीशन ऑफ द बंगाल देखो एक सिंपल बात है पहले सिंपल सा सोचते हैं 1903 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड ये किया कि जो बंगाल का जो प्रोविंस है उसको बीच से डिवाइड कर देंगे एक बंगाल हो जाएगा एक ईस्ट बंगाल हो जाएगा एक ईस्ट बंगाल हो जाएगा बंगाल का प्रोविंस बहुत ही बड़ा था मतलब इट वाज एन एक्चुअल ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंसेस ऑफ द अनडिवाइडेड uh, इंडिया 1900s में बहुत ही बड़ा वो प्रोविंस हुआ करता था 78 मिलियन उसकी पॉपुलेशन थी 78 मिलियन मतलब कि 7.8 करोड़ जब पूरे देश की पॉपुलेशन 25 करोड़ थी सिर्फ और सिर्फ बंगाल प्रोविंस की जो पॉपुलेशन थी वो 7.8 करोड़ थी सो इट वाज अ वेरी बिग प्रोविंस ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया 1903 में कि इसको डिवाइड कर देते हैं और वो फाइनल जो डिवीजन हुआ था 1905 में हुआ था 1905 में बंगाल का जब पार्टीशन होता है तो उसके अगेंस्ट रिस्पांस होता है नेशनलिस्ट का उस रिस्पांस को कहते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट देवर अगेंस्ट इट ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए तो उनका जो रिस्पॉन्स डिड दे रिस्पॉन्ड टू इट दे रिस्पॉन्डेड टू इट बाई स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट

इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्वदेशी और बॉयकॉट मोवमेंट कैसे इंडियन नेशनल मोवमेंट को एक कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन में ले जाती है देखते हैं इन्होंने क्या किया था ब्रिटिश लोगों को डिवाइड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया क्या करते हैं कि बंगाल को पार्टीशन कर देते हैं देखिए बंगाल का दिस वाज़ द होल बंगाल एट दैट टाइम आज का उड़ीसा पूरा का पूरा झारखंड आज का पूरा का पूरा, पूरा बिहार पूरा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश और प्रोविंस नेम्ड एस बंगाल पूरा का पूरा ये एक प्रोविंस था इसको अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि इसको बेसिकली डिवाइड कर देते हैं कहां से डिवाइड करेंगे यहां से बीच से ऐसे डिवाइड कर देंगे इसको ये भी रह जाएगा बंगाल यानी कि बंगाल बिहार और उड़ीसा ये पूरा का पूरा एक साइड में एरिया और उसके बाद जो बांग्लादेश है और आसाम ये वाला पूरा का पूरा एरिया रह जाएगा ठीक है सो बंगाल कम्प्राइजिंग वेस्टर्न बंगाल एज वेल एज दी प्रोविंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा एंड ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम इस तरीके से बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा ये 1903 में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था जो बंगाल है उसकी कैपिटल कैलकत्ता रह जाएगी और जो ईस्टर्न बंगाल है उसकी कैपिटल ढाका रख दी जाएगी अब स्पेसिफिकली बोला इसलिए गए था कि बंगाल की पॉपुलेशन है भाई अठहत्तर मिलियन सात पॉइंट आठ करोड़ वन क्वार्टर ट्वेंटी ब्रिटिश इंडिया ठीक है, ट्वेंटी ब्रिटिश इंडिया पूरे देश की पॉपुलेशन अप्रॉक्सिमेटली पच्चीस अट्ठाईस करोड़ के करीब है और खाली खाली बंगाल की बेसिकली आठ करोड़ के करीब पॉपुलेशन है सो हेंस दिस प्रोविंस इज ह्यूज टू एडमिनिस्टर इट इज टू बिग टू बी एडमिनिस्ट्रेट एंड पार्टिसिप uh, क्या नाम है पार्टीशन करेंगे तो बेसिकली एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इज बढ़ेगी और साथ ही साथ असम के डेवलपमेंट में भी हाँ थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी क्योंकि उसको भी डायरेक्ट गवर्नमेंट uh, की जुडिस्डिकेशन में डाल दिया जाएगा देखो झूठ मूठ की तो क्या ही बात बोले थोड़ा सच तो दिखता ही है ऐसी बात नहीं है कि ये बात थोड़ा गलत कह रहे हैं दर इज अ पॉसिबिलिटी लुक एट इट लुक एट द साइज ऑफ दिस प्रोविंस मतलब इट्स बिगर देन ऑस्ट्रेलिया इट सीम्स

राइट right. तो एयरप्लेन्स तो सोची ही नहीं थी अभी तक उन्होंने दे हैड नो कि एयरप्लेन्स हो भी हैं इट वाज मैसिव मैसिव प्रोविंस नो डाउट अबाउट इट लेकिन ठीक है उनकी बात में अंग्रेजों की बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है कि yes, लेकिन उनका पर्पस ये नहीं था चल तो ये पहले से रहा था उनके दिमाग में नई चीज आई थी बात ये है ये इट इज टू सम एक्सटेंट बट मेन जो फंडा था लॉर्ड कर्जन के दिमाग में आया था कि बेसिकली बंगाल जो था वो नेशनलिज्म का नर्व सेंटर बना हुआ था इट वॉज बिकमिंग मेन सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी तो इनका तरीका ये था कि ये जो इंडियन नेशनलिज्म है इसको तोड़ा कैसे जाए बंगाल को डिवाइड कर दें बंगाल को लैंग्वेज के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दें राधर अंग्रेजों के द्वारा स्टेटमेंट भी दी गई थी कि यह यूनाइटेड बंगाल इज द यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट ए डिवाइडेड बंगाल विल एक्चुअली पोलिट इट इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। सो इनका पर्पस ये था बंगाल को इस तरीके से डिवाइड किया जिसके अंदर स्पेसिफिक पर्पस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं बट राधर लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रिड्यूसिंग द बंगालीज टू अ माइनॉरिटी इन बंगाल इट सेल्फ एज इन द न्यू प्रपोजल बंगाल प्रोपर वॉज ए सेवनटीन मिलियन बंगाली थर्टी सेवन मिलियन उड़ीसा स्पीकर तो इसके अंदर ये बंगाल बनाया गया है लेकिन इसके अंदर बंगालीज जो हैं बंगाली भाषी जो है वो माइनॉरिटी है क्यों क्योंकि इसके अंदर उड़ीसा का भी एरिया है बिहार का भी एरिया है तो ओडिया और हिंदी भाषी अगर इसमें मिलाएं तो वो ज्यादा मेजोरिटी में है और बंगाली भाषी जो है वो माइनॉरिटी में है उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आल्सो वेस्टर्न हाफ वाज टू बी अ हिंदू मेजोरिटी एरिया 42 मिलियन आउट ऑफ फिफ्टी एंड एंड ईस्टर्न हाफ वॉज टू बी अ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया तो ये हिंदू मेजोरिटी एरिया और ये बेसिकली बना दिया गया उन्होंने जान के मुस्लिम मेजोरिटी एरिया द पर्पस वॉज बेसिकली वेरी क्लियर डिवाइड एंड रूल लैंग्वेज के बेसिस पर रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड कर दीजिए इनकी इंडियन नेशनल मूवमेंट भी उसी प्रकार से उसी तरीके से डिवाइड हो जाएगी बिकॉज वंस यू डिवाइड दीज थिंग्स पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटरेस्ट ऑफ दोज पर्टिकुलर कम्युनिटी डिड इज हाउ इट एक्चुअली वर्क इन द हिस्ट्री उसके साथ साथ कर्जन का मेन आइडिया था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को वीक करने का एक सिंपल तरीका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि धीरे-धीरे रिप्रेजेंटेटिव बन रही थी इंडियन ने कहा मुस्लिम्स को वो देखिए जो ईस्टर्न बंगाल होगा ये एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बनेगा और डाका इसकी कैपिटल बना दी जाएगी दैट वुड यूनिटी नॉट एक्सपीरियंस बाई किंग्स तो उसने इतिहास के कल में पढ़ाकर उसने ये वास्ता दिया कि देखो अब तक तक पिछले कई 200 -300 सालों तक तुम्हें वो यूनिटी नहीं मिली है लेकिन ये पूरा का पूरा का जो तुम्हारा ईस्टर्न बंगाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स का हो जाएगा सो तो ये तुम्हारे इंटरेस्ट में है मतलब कि इनकी सारी की सारी बातें और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर कट बता रही हैं कि गवर्नमेंट के दिमाग में सीधा और सरल आइडिया था कि मुस्लिम कम्युनलिस्ट को यूज किया जाए कांग्रेस को और नेशनल मूवमेंट को काउंटर करने के लिए एंड रेट्रोस्पेक्ट में लेट्स मी लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट दे वर एक्चुअली क्वाइट सक्सेसफुल विद इट हाउ एंटी पार्टीशन कैंपेन स्टार्ट होता है सो so, एक सिंपल सी सरल सी बात धमन में आ गई 1903 में डिक्लेयर हुआ था लेकिन 1905 में बेसिकली किया गया था 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा है वर्मेंट इज सेंग वी आर डूइंग इट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियंस बट दे आर डूइंग इट ऑन द बेिस ऑफ द रिलीजन एंड द लैंग्वेज इसके अगेंस्ट उस समय के जो भी बंगाल के नेशनलिस्ट थे देवर अगेंस्ट इट और एक मूवमेंट स्टार्ट होती है एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑल्सो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट ये दोनों की दोनों सेम है एंटी पार्टीशन मूवमेंट यानी कि जो भी उस समय के पोलिटिकल एक्टिविस्ट थे जो भी उस समय के इंटलेक्चुअल्स थे वो हर प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं इस बात के लिए कि बंगाल को डिवाइड नहीं करना चाहिए बंगाल को डिवाइड नहीं करना चाहिए इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स किस प्रकार से स्वदेशी और से, लेट्स अंडरस्टैंड द द फर्स्ट एक्चुअल मास ऑफ़ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द इंडिया टू एनली डिफरेंट डायरेक्शन देखिए एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर द मॉडरेट उन्नीस सौ तीन से उन्नीस सौ पांच सो so, 1903 में ही डिसाइड हो गया था कि बंगाल का पार्टीशन होगा तो 1903 से 1905 के बीच में इस पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्राइमली मॉडरेट्स और 1905 के बाद जो है वो करते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स को जो डोमिनेट करते हैं ये 1903 से 1905 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं केके मित्रा और प्रतीशवित चंद्र राय इन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट को वही जो इनके तरीके थे पटिशन करना स्टार्ट किया ये लोगों की मीटिंग करते थे प्रोपोगेंडा करते थे पैम्फलेट्स बनाते थे इनके जो न्यूज़पेपर थे हिताब्दी संजीवाणी बंगाली ये जो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स हैं दीज न्यूज पेपर्स वो आर यूज टू एजुकेट पीपल कि वट गवर्नमेंट इज डूइंग एंड दे शैल एक्चुअली नॉट डू इट इनका पर्पज सिंपल सा था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के ऊपर सफिशियंट प्रेशर लगा दें एजुकेशन करके लोगों के बीच में ओपिनियन बना दे तो हो सकता है कि बंगाल का पार्टीशन इंप्लीमेंट होने से रुक जाए बहुत ही सरल सिंपल इनोसेंट आइडिया है कि वी विल एजुकेट इंडियंस एंड वी विल मेक सच अ लार्ज प्रेशर या फिर इतना बड़ा ओपिनियन क्रिएट कर देंगे कि जो बंगाल का पार्टीशन है वो बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं होगा तो 1903 से 1905 के बीच में व्हाट द मॉडरेट्स आर डूइंग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं मीटिंग्स कर रहे हैं एजुकेट कर रहे हैं न्यूज में आर्टिकल्स लिख रहे हैं गवर्नमेंट को पिटिशंस दे रहे हैं प्रेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हित लॉ के दायरे में रह रहकर दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इट लेकिन लॉर्ड कर्जन इज लॉर्ड कर्जन उन्होंने सारे के सारे पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर कर दिया और उन्होंने अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905 1905 में जुलाई 1905 के अंदर डिक्लेयर हो गया कि भाई बंगाल का पार्टीशन होगा कब होगा अक्टूबर में होगा उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया इस चीज को ठीक है ओपनली डिक्लेयर कर दिया विद इन डेज प्रोटेस्ट मीटिंग होने लगी धीरे धीरे बंगाल में और बड़ा ही स्पॉन्टेनियसली ये आया कि बॉयकॉट कीजिए फॉरेन गुड्स को यहां से एक नया सिस्टम स्टार्ट होता है जुलाई 1905 से जैसे ही डिक्लेयर होता है कि बंगाल का पार्टीशन होना है तो पूरे के पूरे बंगाल में

एंड द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड सो अगर हमें बहुत स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर इवेंट की डेट ढूंढनी है सो दैट इज दाइनटीन नॉट फाइव जिस दिन से स्वदेशी मूवमेंट ऑफिशियली बिगिन होती है ये दोनों एक दूसरे के एनोलॉजिकल है इफ यूर गोइंग टू बॉय देन वॉट यू आर गोइंग टू डू कपड़े कहाँ से खरीदोगे नहीं हम स्वदेशी लेंगे तो स्वदेशी और बॉयकॉट ये अलग अलग इवेंट्स अलग अलग थ्योरी नहीं है बेसिकली एक चीज़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं बिकॉज वी विल गो कंट्री हम सेल्फ रिलायंस आत्मशक्ति पर आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगे स्वदेशी चीजें खरीदेंगे दैट वॉज दी वे ऑफ द प्रोसेस दैट वॉज दी आइडिया दैट वॉज दी काइंड ऑफ ए मेथड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी पार्टीशन ऑफ दी बंगाल पार्टीशन ऑफ दी बंगाल का एक सिंपल सा तरीका आफ्टर दिस लीडर डिस्पर्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ द बॉयकॉट ऑफ द मैनचेस्टर क्लोथ एंड द लिवरपूल सॉल्ट बेसिकली मैनचेस्टर वहाँ पे उस समय ब्रिटेन का एक वो एफ, एरिया था जहाँ से बहुत सारी सी टेक्सटाइल्स बनकर आती थी और लिवरपूल से बेसिकली वहाँ पे नमक आया करता था तो इन्हीं के ऊपर स्पेसिफिकली टारगेट किया गया कि ये जो मैनचेस्टर के जो कपड़े हैं इनको बॉयकॉट कीजिए जो लिवरपूल का जो सॉल्ट है इनको बॉयकॉट कीजिए एंड द लीडर्स ऑफ दैट टाइम वेंट टू द बंगाल इन द डिफरेंट इंटर लैंड विलेजेस द टाउन्स एंड द सिटीज टू एक्चुअली प्रोपोगेट दिस पर्टिकुलर आइडिया साथ ही साथ अक्टूबर 16, नाइनटीन को फॉर्मली बंगाल का पार्टीशन होता है बंगाल। हो ऑफिशियली of होता है लेट exactly so, सी अगर हम अभी क्या चल रहा है अक्टूबर ही चल रहा है अक्टूबर है नवंबर है हम कहाँ पे? सितंबर में When, आज क्या डेट है तो 24th 24th 100 साल 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 साल, 2005 तक ही हो हो गए गए थे, उसके बाद 15 और और 115, 117, 117 साल पहले, 117 साल पहले और पहले, 117 साल पहले, पहले पहले, पहले, 8 8 दिन दिन में हमारे बंगाल में क्या हो रहा था ये देखते देश के अंदर उन लोगों ने फास्ट रखा गंगा में नहाए और बंदे मातरम गाते मातरम गाते हुए बेसिकली बाहर निकले विच ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियसली बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर ने आम सोनार बांग्ला लिख दी आम सोनार बांग्ला द नेशनल जो कि अभी बांग्लादेश की नेशनल एंथम है वॉज कम्पोज बाय द रविंद्रनाथ टैगोर एंड संग बाय द्यूज क्राउड्स मार्चिंग इन द स्ट्रीट्स देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज जरा देखने की कोशिश कीजिए हाउ दिस इज हाउ दिस थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं बंगाल का जो पार्टीशन है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट है इस पे जो नेशनलिस्ट हैं उनका एक रिस्पॉन्स आ रहा है और जो आर्ट जो कल्चर उसका भी रिस्पॉन्स होता है बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर लैट से कि अब रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट है राइट right? तो पोएट है तो किसी भी पॉलिटिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स पे वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे भाई बंगाल का डिवीजन हो रहा था तो ही राइट्स अ पोयम अमार सोनार बांग्ला की हमारा बांग्ला मतलब हम मेरा सुंदर बांग्ला जो है एंड ही राइट्स दैट पोएम एंड दैट बिकम्स द एंथम ऑफ दैट मूवमेंट

उसके बाद रामेंद्र रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जो कि साहित्य परिषद के बेसिकली सेक्रेटरी थे उन्होंने लोगों को कहा कि यार रक्षाबंधन मनाओ 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन मनाइए यूनिटी सी यू आर ट्राइंग टू डिवाइड पार्टीशन करने की कोशिश कर रहे हो ब्रिटिशर्स हैं, सो दे एक्चुअली यूज फेस्टिवल्स रक्षाबंधन जो है कि रक्षाबंधन मनाएंगे सब एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधेंगे और राखी रक्षा बंधन बंधन का बेसिकली एक सिंबल होता है यूनिटी का सिंबल होता है सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिवाइड अस बट वी विल एक्चुअली स्टे यूनाइटेड प्रिलिम्स का भी एक बेसिक क्वेश्चन आप समझ के चलिए कि भाई रक्षाबंधन एज ए फेस्टिवल एक तरीके के सिम्बॉलिक प्रोट, प्रोटेस्ट में यूज किया गया था किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है स्वदेशी मूवमेंट से एसोसिएटेड है बंगाल के पार्टीशन से लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर बांधनी स्टार्ट की। अगेन, यूनिट। सिंबल है नाथ बैनर्जी आनंद मोहन बोस ने प्रोबेबली कई सारी सी गैदरिंग्स को क्या कहते हैं आ, वो किया, उन्हें बताया आ, पैसा रेज किया गया और धीरे धीरे जो मूवमेंट थी बेसिकली दूसरे जगह पर पूना में और बॉम्बे में भी पहुँची तिलक के अंदर पंजाब में लाला लाजपत राय के अजीत सिंह इन दिल्ली एंड सैयद हैदर रज़ा एंड मद्रास एंड मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई देखिए जब भी आप हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हिस्टोरिकल इवेंट्स बेसिकली पूरे के पूरे के देश में हो रहे होते हैं राइट बंगाल का पार्टीशन है तो जो एक्चुअल ओरिजिनल पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो बंगाल के अंदर हो रही है लेकिन आप किताब पढ़ते वक्त अकेडमिकली पढ़ते वक्त देखेंगे कि वहां पे जो इस कुछ कुछ इवेंट्स और कहीं पर भी होंगे एंड वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द सर्टेन नेम्स अब बाल गंगाधर तिलक आपको आसानी से याद है कि वो बेसिकली बॉम्बे में है लाला लाजपत राय ऑब्वियसली बेसिकली पंजाब में है यहाँ पर कुछ और जैसे एक्स्ट्रा नाम आ गए कि दिल्ली में सैयद हैदर रजा लाला लाजपत राय और अजीत सिंह तो ऑब्वियसली पंजाब है सैयद हैदर रजा दिल्ली के अंदर स्वदेशी मूवमेंट में इन्वॉल्व है मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जो है वो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट को प्रोपोगेट कर रहे हैं या मतलब अगेन ये क्या कर रहे हैं ये बेसिकली वहाँ पर अपने अपनी जगह पर बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट के जो इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मीटिंग्स कर रहे हैं कि बंगाल का पार्टीशन गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए स्पीचेस दे रहे हैं प्रोपोगेंडा कर रहे हैं राइट right? इस प्रकार से तो सिंपल है बेसिक है नॉर्मल मतलब क्या नाम है धीरे धीरे याद होगी 16 अक्टूबर को पार्टी राइट और कांग्रेस के सेशन कब होने कांग्रेस के सारे के सारे सेशन होते हैं डिसंबर में ठीक है तो डिसंबर नाइनटीन में कांग्रेस मिलती है ठीक है डिसंबर नाइनटीन में कांग्रेस मिलती है और इस साल प्रेसिडेंट है गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले जी इस समय प्रेजिडेंट है ये एक प्रकार से मॉडरेट लीडर है ठीक है मॉडरेट्स के लीडर है अब ये मिलती है तो ये जब 1905 में सेशन में क्या नाम है गोखले के सेशन गोखले की प्रेसिडेंटशिप के सेशन में कांग्रेस मिलती है तो दो रेजोल्यूशन पास करती है कि दे ऑफ बंगाल एंड द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन एंड दे विल सपोर्ट एंड द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट तो बेसिकली कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल सपोर्ट दे दिया कि पहले तो पार्टीशन ऑफ बंगाल गलत है और बंगाल सेकेंड से जो ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चली है आज से हम इसे प्रमोट करेंगे इसको सपोर्ट किया करेंगे वी kind of ये प्रकार से हो रहा है मिलिटेंट नेशनलिस्ट जिनको स्पेसिफिकली तिलक लीड करते हैं ज लाइव मैन कौन कौन लाइव है ले मी सी वेस्टर ओके देर आर पीपल लाइव गुड आफ्टरनून एवरीबडी हाउ डूइंगू संदीप एब्सल्यूटली कुछ क्वेश्चन पूछो अपने कुछ ओपिनियन दीजिए लाजपत बिपिन एन और उद्देश्य था कि मूवमेंट को बेसिकली पूरे के पूरे बंगाल से बाहर ले जाए देखिए जो नव सेंटर है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का वो बंगाल है पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है उसी के ऊपर रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहीं पर रहेगा बट दीज नेशनलिस्ट लीडर जो हैं ये चाहते हैं कि इसको और बाहर लेके जाते हैं इसको पूरे के पूरे देश में फैलाने की कोशिश करते हैं ये मूवमेंट है, है सिर्फ बंगाली और लोगों को नहीं करना है बन जाएगा, और हम बहुत जल्दी से स्वराज अटेन कर लेंगे लेकिन नाइनटीन के कांग्रेस सेशन में प्रेजिडेंट कौन है गोखले यानी कि बेसिकली प्राइमरली इट इज डोमिनेशन ऑफ दी मॉडरेट्स उस समय मॉडरेट्स बेसिकली डोमिनेट करते हैं एंड मॉडरेट्स वो एक्चुअली नॉट रेडी टू विलिंग टू गो दैट फार दे वर क्वाइट सपोर्टिव उनको अच्छा लग रहा था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रही है स्वदेशी हो रहा है बॉयकॉट हो रहा है बट उनके मानना था कि शायद अभी तक इसको सिर्फ बंगाल में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए पूरे इस समय पूरे देश में फैलाना बहुत अच्छा नहीं रहेगा स्टे इन द बंगाल धीरे धीरे जो डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन है वो बनना स्टार्ट हो गया है कांग्रेस एट दैट टाइम वर वर मॉडरेट्स बेसिकली नॉट गोइंग विलिंग टू दैट फार हर उन्नीस सौ छह में बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ये भी बात ध्यान रखेंगे देखो नाइनटीन नॉट फाइव में गोखले और नाइनटीन नॉट सिक्स में नारोजी ठीक है दोनों के दोनों मॉडरेट लीडर्स हैं ठीक है दादा भाई नारोजी दोनों के दोनों मॉडरेट लीडर्स हैं अब यहाँ पे एक डिमांड स्टार्ट होती है एक्सट्रीमिस्ट की ठीक है मिलिटेंट नेशनलिस्ट चाहते हैं कि जो स्वदेशी और बॉयकाउट मूवमेंट है उसको बेसिकली पूरे के पूरे आ, इंडिया के अंदर फैला दिया मॉडरेट्स भी दे दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट थिंक इसको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर रखना चाहिए थोड़ा सा क्लैश ऑफ ओपिनियन होना स्टार्ट हो जाता है 1906 में एक इवेंट होता है जो कि एक्सट्रीमिस्ट के लिए फायदा है मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो है उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है दादा भाई नारोजी की प्रेजिडेंटशिप में सबसे पहली बार स्वराज जो वर्ड है वो यूज किया जाता है

एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो उस समय क्लियर नहीं है एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन मॉडरेट्स कुछ और सोच रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट कुछ और सोच रहे हैं बट वन वे और दी अदर कहीं ना कहीं पे इसका कुछ बेसिक बेसिक मतलब है सेल्फ रूल अगर इसकी एक लिटरल ट्रांसफर ट्रांसलेशन भी की जाए स्वराज खुद का राज सेल्फ रूल ये बेसिक डेफिनेशन है बहुत फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेडिकल टर्न लिया गया है जस्ट बाय यूजिंग दिस वर्ड इन द कांग्रेस सेशन क्योंकि आज से पहले 21 साल से पहले मॉडरेट्स का ऐसा कोई सोच करने का ऐसा कुछ समझने का तरीका नहीं था या मतलब वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे तो 1906 में दादा भाई नारोजी जब बेसिकली कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं इट वाज डिक्लेयर्ड कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गोल है वो सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्वराज हो जाएगा जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की दूसरी कॉलोनीज ऑस्ट्रेलिया या फिर कैनेडा में होता है वी ऑल्सो वॉइंट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इस प्रकार से ये बहुत ही दिस इज अ मेजर लीप मतलब अभी सुनने में बेसिकली इसकी ग्रेविटी समझ में नहीं आती है हमें राइट वी आर एक्चुअली वे फार अवे टू लुक एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में क्या हुआ है इतनी क्या बड़ी बात हो गई है बट जस्ट इमेजिन 21 साल से जो लोग पावर में हैं उन्होंने कभी भी डिमांड नहीं किया है सेल्फ रूल का और दादा भाई नारोजी अ मॉडरेट उसकी प्रेजिडेंटशिप में कांग्रेस इस वर्ड का कर प्रयोग करती है स्वराज दिस इज द बिगनिंग This is where it actually begins. क्योंकि यही जो वर्ड है इसी की जो इंटरप्रिटेशन है वो सेल्फ रूल में यहाँ से धीरे धीरे भारतीय और ज्यादा रेडिकलाइज होते जाएंगे एंड एवरी एट एवरी प्लेस दे वुड स्टार्ट डिमांडिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स कि हमें पूरा अपना रूल करने दीजिए अच्छा अब यहाँ पे देखो जो 1905 में जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में ये डिस्प्यूट था एट द पेस ऑफ द मोवमेंट टेक्निक्स ऑफ स्ट्रगल, पेस मतलब कि की चाहते कि यार इसको अभी तक बंगाल में लिमिट रखो। और चाहते इसको पूरे देश में, देश में फैलाने का समय आ चुका है मास मूवमेंट बदल देते हैं इसको और जल्दी से अपने स्वराज की डिमांड कर देते हैं ये उन्नीस का जो था मूवमेंट ये स्टार्ट होते होते उन्नीस में ऑब्वियसली एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा सा कंसेशन मिला स्वराज तो एक साल और रुके लगे हुए लेकिन उन्नीस में आते आते बेसिक डेडलॉक 1907 में आते आते दे बेसिकली काइंड ऑफ जो ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो अलग अलग गुट बन गए हैं दो अलग अलग थिंकिंग के लोग बन गए हैं मॉडरेट और मिलिटेंट वाले ये बेसिकली क्लैश में आकर देखो दो साल हो चुके हैं बंगाल के पार्टीशन को हुए हुए ठीक है तो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है जिस भी प्रकार से चल रही है उस प्रकार से चल रही है मॉडरेट्स के अकॉर्डिंग ये सही है मॉडरेट्स आर अबाउट इट चल रहा है सही चल रहा है बंगाल में चल रहा है सही चल रहा है बट एक्सट्रीमिस्ट आर गेटिंग दे 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 आर 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 फ्रस्ट्रेटेड नॉट नॉट हैप्पी हैप्पी विद विद उन्नीस सौ मॉडरेट्स बेसिकली 1905 और 1906 के जो कांग्रेस के सेशन है उसमें दोनों में मॉडरेट्स लीड कर रहे हैं अब दोनों में मॉडरेट्स लीड कर रहे हैं तो मॉडरेट्स की बेसिकली चल रही है मॉडरेट्स का थोड़ा सा डोमिनेशन है सो दे आर नॉट एक्चुअली लेटिंग दी स्वदेशी मूवमेंट टू बी इंपोर्टेड टू दी अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री धीरे धीरे जो भी हमारे मिलिटेंट नेशनलिस्ट है वो सारे के सारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ियन की कैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए केम टू द्लास इन नाइनटीन हंड्रेड सेवन नाइनटीन हंड्रेड सेवन में जो सेशन था वो होता है सूरत में क्यों होता है सूरत में असली सूरत में होता है कि मॉडरेट्स जो थे सॉरी uh, जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक इस बार प्रेसिडेंट बने क्योंकि बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट बनेंगे तो हमारी मर्जी चलेगी हमारी मर्जी चलेगी तो हम इसको पूरे देश के अंदर फैला देंगे और थोड़े से तरीके भी और थोड़े से वो uh, वाइड कर देंगे ठीक है लेकिन मूवमेंट अंडर रीच द डेड लॉक इन द इंडियन नेशनल वेन द पार्टी स्प्लिट विदरियस कॉन्सिक्वेंसिस फॉर दिस स्वदेशी मूवमेंट सो नाइनटीन नॉट सेवन में एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप चाहता था कि बाल गंगाधर तिलक प्रेजिडेंट बन जाए तो एक्सट्रीमिस्ट के अगर प्रेजिडेंट बनेंगे तो उनकी बेसिकली थोड़ी सी ज़्यादा चलेगी एंड दे विल बी एबल टू पास स्लाइटली मच मोर रेडिकल आइडियाज़ मच मोर रेडिकल लेकिन मॉडरेट चाहते थे कि हमारे वाला बन जाए बैक टू बैक अब देखो एक uh, एक रूल हुआ करता था, था कांग्रेस का कि जिसके जिस जिस भी प्रोविंस में जिसके प्रोविंस में मीटिंग uh, है उस प्रोविंस का जो इंडिविजुअल है वो leader, वो लीडर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था तो जैसे लैसे कि कलकत्ता में ठीक है कलकत्ता में अगर कांग्रेस का सेशन है तो बंगाल का प्रोविंस है वो तो बंगाल के प्रोविंस का कोई इंडिविजुअल प्रेजिडेंट नहीं बनेगा इसीलिए कांग्रेस ने सेशन रखा सूरत में सूरत बॉम्बे प्रोविंस में आता था सूरत बॉम्बे प्रोविंस में आता था और बॉम्बे बाल गंगाधर तिलक बेसिकली बाल गंगाधर तिलक का होम प्रोविंस था तो जैसे ही सूरत में सेशन रखा गया तो बाल गंगाधर तिलक वॉज आउट ऑफ द दिप तो वो प्रेजिडेंट नहीं बन सकते थे सौ सात में प्रेजिडेंट बने बिहारी घोष अगेन और ए मॉडरेट और एक इवेंट होता है इसमें बेसिकली जिसको कहते हैं सूरत स्प्लिट क्या कहते हैं सूरत स्प्लिट क्यों क्योंकि ये सूरत में हुआ था सो दे सूरत स्प्लिट Right. सूरत स्प्लिट होता है सूरत स्प्लिट अर्थात कि इन द सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑफ 1907 कांग्रेस जो है दो भागों में बट जाती है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का ये बटना जो होता है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को अगले दस सालों तक लेस खत्म कर देता है या फिजल आउट कर देता है आज हम उसके बारे में बात करेंगे अभी सूरत स्प्लिट के बारे में लेकिन एक बार पहले देख लेते हैं कि नाइनटीन नॉट फाइव से लेके आगे एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ने बेसिकली कैसे चलाई थी राइट right. स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है एक प्रकार से दो लोग चला रहे हैं मॉडरेट्स भी कुछ कुछ करते हैं और साथ ही साथ एक्सट्रीमिस्ट भी कुछ कुछ कर रहे हैं तो हमने देखा कि 1903 से 1905 के बीच में मॉडरेट्स ने कैसे कैसे रिएक्शन दिया था लेट लेटस सी कि एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप बेसिकली क्या कर रही थी ठीक है मॉडरेट जो थे उन्होंने जो मूवमेंट को लीड किया उससे तो कोई रिजल्ट आया नहीं बंगाल का पार्टीशन हो रखा है दो साल हो गए उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है उसके बाद साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो और ज्यादा डिवाइसिव टैक्टिक्स टेक, फॉलो करने लग रही है एंड गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स पे जो भी प्रोटेस्ट में हा, हाथ लेते थे उनके जो भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे बॉयकॉड मूवमेंट में उन मीटिंग्स में जाया करते थे उनके अगेंस्ट थोड़े से सप्रेसिव मेजर्स लगाना स्टार्ट कर दिए वंदे मातरम को पब्लिकली सिंग नहीं कर सकते थे आप बंगाल के अंदर क्योंकि ये सिंबल बनता जा रहा था यूनिटी का प्रोटेस्ट का वंदे मातरम के ऊपर बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने

1906 में दादा भाई नारोजी वाले सेशन के अंदर कलकत्ता में वो सेशन हुआ था एवरीबडी like, स्वराज गोल हो चुका है अब कांग्रेस का सेल्फ गवर्नमेंट इट्स इट्स बिग बिग लीप लीप ओके इन्होंने बोला कि वी विल गिव पैसिव रेजिस्टेंस इन एडिशन टू स्वदेशी एंड बॉयकॉट विच वुड इंक्लूड अ बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस गवर्नमेंट सर्विसेज कोर्ट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल मुंसिपल टाइटल्स

हम कुछ एक्शन नहीं करेंगे बट वी विल रेजिस्ट हाउ डू यू डू दैट यू डोंट गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स यू डोंट यूज गवर्नमेंट सर्विसेज आप गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना बंद कर देते हो बेसिकली ट्राइंग टू गिव दम ए साइलेंट ट्रीटमेंट एक्चुअली में दैट इज प्राइमरी वॉट इट इज साइलेंट ट्रीटमेंट देने का पैसिव रेजिस्टेंस राइट एक्टिव रेजिस्टेंस जो कि गांधी कर रहा है गांधी क्या कर रहा है सोल्ट जाके तोड़ दिया दट इज एक्टिव रेजिस्टेंसिव रेजिस्टेंसिटेंट नेशनलिस्ट कर रहे हैं दे आर बॉयमेंट स्कूल तो वो नेशनलिस्ट स्कूल में जाने की कोशिश कर रहे हैं नेशनलिस्ट एजुकेशन में वो गवर्नमेंट सर्विस को गवर्नमेंट कोर्स को बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं अगेन ये क्यों पढ़ रहे हैं चेंज

नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखो अगर नहीं भी पता ये तो पता है कि गांधी ने चलाई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये पता है 1920 के समय में चली थी ये दो चीजें याद है बहुत ही बढ़िया अब नॉन कोऑपरेशन तब तो सिर्फ और सिर्फ इसका डिक्शनरी मीनिंग मुझे कोऑपरेट नहीं करना किसके साथ गवर्नमेंट के साथ ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट सो वही उसका ही जो रूडीमेंट्री जो

देखो दो चीजें हम मॉडरेट सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट से पार्टीशन को अनल करा दो रिफ्यूज मतलब पार्टीशन दोबारा से वापस उसको कैंसिल करवा दिया जाए पर्पज इज दिस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम वेर इज नेशनलिस्ट जो है ये चाहते हैं कि इसको एक मास स्ट्रगल में बदल के स्वराज अटेन कर ले हम ऑन द लाइन्स ऑफ द कैनेडा ऑन द लाइन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ऑन द लाइन ऑफ कनेडा ऑस्ट्रेलिया में क्या है कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया आर ब्रिटिश एट दाइम ब्रिटिश कॉलोनीज बट दे आर बिंग रूल्ड बाई दस्ट्रेलियन बट उसकी सॉवरिटी जो है वो ब्रिटिश है मतलब दे कि देर क्वीन इज बेसिकली इंग्लैंड क्वीन और द किंग इज देर इंग्लैंड किंग बट उनका जो पार्लियामेंट है वो कैनेडियंस के द्वारा चलाया जा रहा है स्वराज है सेल्फ रूल है ब्रिटिशर्स हैं उनके सुप्रीम सॉवरेन है लेकिन रूल जो है वो उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है ऑन द सेम लाइंस इस समय ये स्वराज मांगने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल याद रखो ये इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरन रूल इज नॉट द गांधी इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरन रूल गांधी इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरन रूल इज ए गेट लॉस फ्रॉम इंडिया तुम इधर रहने के ही नहीं हो क्योंकि तुम इधर हो के तुम इधर के हो नहीं

थर्टीज के बाद पूर्ण स्वराज इस स्वराज को पूर्ण स्वराज कहा जाएगा पूर्ण स्वराज का मतलब है कि बी नो ब्रिटिशर्स इन इंडिया इज एज सिंपल एज दैट प्लीज गेट लॉस्ट फ्रॉम एयर बहुत हो चुका तुम्हारा डेढ़ साल हो गए यहां पर पॉलिटिकल फ्रीडम की बात हो रही है ब्रिटिशर्स विल रिमेन द्राउन ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम एटलीस्ट लेकिन उद्देश्य कुछ और है तो एक्सट्रीमिस्ट द आडिया ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस द द सेंट्रल प्लेस इन इंडियाज पॉलिटिक्स एंड द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज टू बी अचीव्ड थ्रू दी सेल्फ सेक्रीफाइस किसी प्रकार से किए तो जो ये आइडिया है सेल्फ सेक्रीफाइस का गांधी जी भी बड़ी सेल्फ सेक्रीफाइस की बातें करते थे राइट लेकिन ये आइडिया आता है मिलिटेंट नेशनलिस्ट के द्वारा नया फॉर्म ऑफ स्ट्रगल था क्या मिलिटेंट स्कूल्स ने किया क्या है? क्या किया है डिफरेंस किया हैचेस्टर के लिवरपूल के, के जो कपड़े हुआ करते थे उनको आके जलाते थे फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड सॉल्ट और शुगर रिफ्यूजल बाय प्रीस्ट टू रिचुअलाइज मैरिज इनवॉलिंग एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड्स जिस भी ब्याह में बेसिकली विदेशी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है वहां पे जाके पंडिती भी पंडित बेसिकली उसका बयाना कराएंगे वॉशरमैन बेसिकली मना कर देंगे कि हम फॉरेन कपड़े धोएंगे नहीं इट इज क्वाइट इनोवेटिव इफ यू थिंक अबाउट इट राइट हाँ, इफ सुनो मेरे को ध्यान से समझ रहा यू आर इन 1905 आप 1905 में इंडिया में बंगाल में एक नागरिक हो इमेजिन इमेजिन राइट नाउ यू आर 24 इयर्स ओल्ड राइट यू आर 24 इयर्स ओल्ड And you're a washerman. You're basically a How are you going to participate in the Indian National Movement? How are you going to show your discontent to the Britishers? You can't do anything. What are you going to do? You know what? You refuse to wash foreign clothes. That is how one man makes a difference. Your name would probably be not written in the history books, but you would have contributed to the freedom of India. Obviously, these protests. बॉयकॉट करने के जो प्रोटेस्ट थे इट हैड अ सक्सेस एट दैट टाइम ओके इट बिकेम अ लार्ज मूवमेंट उसके बाद जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट uh, नेशनलिस्ट थे दे यूज्ड टू मेक पब्लिक मीटिंग्स प्रोसेशंस पब्लिक मीटिंग्स अगेन सबसे पहले वही था पब्लिक मीटिंग्स ही थी दे वर फॉर्म ऑफ अ पॉपुलर एक्सप्रेशन भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाती थी एक दूसरे को बताते थे कि यार ये अंग्रेज जो है सुधर नहीं रहे इनका क्या किया जाए फिर कुछ तरीके थे कि ये समिति बनाते थे समिति हैं kind of हैं वो बेसिकली एक ग्रुप बना देते हैं, और वो जैसे कि भाई मास मोबिलाइजेशन के लिए जैसे आजकल इलेक्शन रैलीज में किया जाता है तो उसी प्रकार से एक समिति है पूरे गांव के अंदर एक समिति बना दी गई है तो जब मीटिंग होगी शाम को चौराहे पे या संडे को चौराहे पे मीटिंग होगी तो पूरी के पूरे जो वॉलेंटियर्स की समिति है जितने भी लोगों को वहाँ पर ले जा सकती है वहाँ पर लेके जाएगी इसमें से एक जैसे कि स्वदेश बंधा समिति ऑफ द अश्वनी कुमार दत्त यशवनी कुमार दत्त है बड़ी साल में इन्होंने एक समिति बनाई थी स्वदेश बंधक समिति और इसी से बेसिकली मास मोबिलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली मतलब दिस एक ग्रुप ऑफ दैट टाइम सो राइट नाउ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल आर वॉल ऑन दिवाली Uh, आप लोगों को दिवाली सेलिब्रेट नहीं करना था दैट यू आर हियर विद मी थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट बट दिस इज हाउ डिड वी डू इट वी डिड इट थ्रू अ टेलीग्राम चैनल राइट इस टेलीग्राम चैनल पे हमारा सबकी एक समिति बनी हुई है और मोबिलाइज कर लिया नाउ वी वन टूटी पीपल आर एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम राइट दिस इज वॉट दूस टू डू फॉर द मास मोबिलाइजेशन तिरुनलवल्ली तमिलनाडु में वी ओ चिदम्बरम पिल्लई सुब्रमण्यम सुब्रमण्य सिवा एंड दूसरे लॉयर्स थे उन्होंने स्वदेशी संगम बनाया अगेन आपकी प्रिलिम्स प्रसफॉर्मेशन है यहाँ पे इस पर देख लीजिए सिर्फ सिर्फ में छोटा सा नाम भी या फिर नाम ध्यान नहीं आएगा तो कौ, में इन्फॉर्मेशन आएगी स्वदेश बंधब समिति मैच द फॉलोइंग और उसके बाद बेसिकली स्वद, स्वदेशी संगम हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सी जोग्राफिकल टेरिटरी में बनाया गया था लोकल मॉसिस को लिए पर्पस क्या था सो ये मीटिंग्स ये समिति बनाई जा रही है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा अब देखो यहां पे भी सोच के देखो जस्ट इमेजिन व्हाट आर दे डूइंग दे आर मेकिंग ये क्यों इनोवेटिव है व्हाई इज दिस सो इंटरेस्टिंग फॉर पीपल ये मिलिटेंट नेशनलिस्ट कर रहे हैं व्हाई इज दिस सो एक्साइटिंग दे आर इंक्लूडिंग मासेज इन इट भीड़ इकट्ठे कर रहे हैं लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं मॉसिस इज बिंग इंक्लूडेड आप कभी किसी वॉशरमैन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देख सकते वॉशरमैन कभी अंग्रेजों को पेटिशन नहीं भेज सकता अंग्रेजों को प्रेयर नहीं कर सकता लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता एंड देर नाइनटी परसेंट पॉसिबिलिटी लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन भी नहीं कर पाया पॉसिबिलिटी कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जानता भी नहीं होगा नेचर चेंज हो रहा है यार नेचर चेंज हो रहा है इमेजिन वॉशरमैन व्हाई इज इट इंक्लूडेड स्वदेशी एंड मूवमेंट प्रेयर और पेटिशन क्यों काम नहीं कर रहे हैं प्रेयर और पेटिशन क्यों मास मूवमेंट क्यों बेसिकली मास लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज दो थिंग्स नॉट बी डन बाई मूवमेंट इज द फर्स्ट इनोवेशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट विच इज एक्चुअली इंक्लूडिंग द दिस समिति इज जनरेटेड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग दास थ्रू मैजिक लैंडेन लेक्चर स्वदेशी सॉन्ग गाने गाए जाते थे फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग मिलती थी सोशल वर्क होता था ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स एंड सो ऑन एंड ऑन स्टफ़ एक्सट्रीमिस्ट जो थे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और सबसे पहले इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया कि जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं त्यौहार होते हैं मेले होते हैं उनको यूज़ किया इस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए अब इसमें सबसे पॉपुलर जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी हैं बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया कि अट्ठारह और अट्ठारह में जो पुराने फेस्टिवल्स थे महाराष्ट्र के जिसमें दो सबसे पॉपुलर है गणपति फेस्टिवल और जो शिवाजी फेस्टिवल थे इनको रिवाइव कर दिया और एज ए मीडियम बनाया स्वदेशी प्रोपोगेंडा का कि हमारा देश है यार हमारे देश की आर्ट और कल्चर है उनको मनाइए जो फोक थिएटर थे उनको यूज़ किया गया प्राइज करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट के अगेंस्ट आज महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स होता है राइट right? बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है बड़े सारे से लाइक द होल मुंबई पार्टिसिपेट्स इन इट राइट किसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक की वजह से क्यों मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्यों क्योंकि एक नया तरीका था दिस वॉज ए न्यू एज इनोवेटिव आइडिया टू इंक्लूड मासिस खुद सोच के देखो सोच इमेजिन इमेजिन दिस लुक एट द डिफरेंस वेयर द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट आर डूइंग फेस्टिवल देश बदल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट की नेचर बदल रही है तरीका बदल रहा है और सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस क्यों अगेन दे डोन्ट बिलीव की ब्रिटिशर्स आर गुड दे बिलीव इन दिल नेचर ऑफ द ब्रिटिशर्स रूल इनको बदलाव चाहिए और बदलाव है अब इनको आ चुका है सेल्फ कॉन्फिडेंस दे बिलीव इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट आत्मशक्ति सेल्फ रिलायंस इसको एनकरेज किया गया था कि हमारी नेशनल डिग्निटी ऑनर और कॉन्फिडेंस हमारा बराबर है और साथ ही साथ इसका एक ही तरीका है इकोनॉमिक रीजनरेशन इकोनॉमिक रीजनरेशन स्वदेशी फॉर फॉरन कपड़े हैं उनको बॉयकाट कीजिए और स्वदेशी को बनाइए स्वदेशी को पहनिए स्वदेशी को चूज कीजिए डू यू नो बाई uh, दॉलिटिशियन से एक सौ सत्रह साल हो चुके हैं आज तक बेसिकली इस इवेंट uh, का जो इंपैक्ट है वो बेसिकली लोगों के कपड़ों में दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक रिजनरे विलेजेस होगी वही तरीका है सोशल रिफॉर्म्स कास्ट अगे बेसिक चीजें जो है स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन दो प्रकार से स्वदेशी प्रोग्राम है एक तो एजुकेशन में है और दूसरा है एंटरप्राइजेस में ठीक है स्वदेशी कैसे चलेंगे स्वदेशी एजुकेशन एंड एंटरप्राइज मतलब कि कंपनीज इंडस्ट्रीज जो है वो इंडियन हैंडल करेंगे एंटरप्राइज स्वदेशी की एजुकेशन और इंडियन एंटरप्राइज देखिए ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे जैसे अगर हम बॉयकॉट कर रहे हैं पैसिव रेजिस्टेंस कर रहे हैं अगर कहीं पे पढ़ना भी तो पड़ेगा पढ़ थोड़े ना छोड़ देना ना तो बेसिकली जो भी स्वदेशी स्टूडेंट्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सप्रेस कर रही थी इससे धीरे धीरे 1900 के डेकेड में जो इंडियन नेशनलिस्ट स्कूल और यूनिवर्सिटीज हैं वो भी बेसिकली बनकर उभरती है द डायरेक्ट इंपैक्ट इज दैट कि स्टूडेंट इन स्वदेशी मूवमेंट एंड थ्रेट टू स्टॉप ग्रांट्स स्कॉलरशिप फॉर द इंस्टीट्यूशन दैट वर डोमिनेटेड बाय द नेशनलिस्ट वो बन के उधरे ब्रिटिश एक्शन की वजह से इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट की वजह से और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको सप्रेशन करने की वजह से दिस इज द टाइम जहाँ पे बड़े सारे से नेशनलिस्ट स्कूल बन के उभरते हैं जिनका फोकस बेसिकली इंडियन इंडियननेस है इसमें एक एग्जाम्पल इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है राजा सुबोध मलिक का अब इनका नाम है इनको प्यार से राजा सुबोध मलिक कहते हैं बट ये उस समय बंगाल के इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे इन्होंने बेसिकली एक लाख रुपए डोनेट किए थे अब यार ये देखो पता नहीं मुझे कितना फर्क पड़ेगा लेकिन एक लाख रुपए समझ लो कि तुम दस करोड़ रुपए होंगे या सिर्फ ज़्यादा भी हो सकते हैं मतलब सौ साल पुरानी बात है

और फ्यूचर डेस्टनी समी अर वाई वुड यू चूज ऑगस्ट फिफ्टीन एज अ डेट ऑफ फाउंडिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आई हैव नो आइडिया बंगाल का नेशनल कॉलेज बनाया गया बंगाल के टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए गए ये जो बंगाल नेशनल कॉलेज बने थे इनके पहले सबसे पहले प्रिंसिपल थे औरबिंदो घोष और इसके फर्स्ट प्रेजिडेंट थे राश बिहारी घोष ये राज बिहारी घोष वही है जो कि उन्नीस सौ सात में सूरत स्प्लिट में बेसिकली अच्छा देखो सूरत कहाँ पे हो रहा है सूरत यानी कि बॉम्बे उसके अंदर बॉम्बे बॉम्बे प्रोविंस में बेसिकली वो सेशन है तभी राज बिहारी घोष जो कि बंगाल नेश मतलब बंगाल जो कि बंगाल प्रोविंस है इसीलिए राज बिहारी घोष उसके प्रेसिडेंट बने हुए मतलब अगेन ये तो बेसिक था इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी टैगोर ने अपना शांति निकेतन बनाया था नाइनटीन में और बड़े बड़े से नेशनल स्कूल जो थे उस समय बंगाल में बिहार में बेसिकली बन के उभरते हैं अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल uh, है सतीश चंद्र मुखर्जी के बारे में जानते हैं सतीश चंद्र मुखर्जी इन्होंने उस समय नेशनलिस्ट एजुकेशन को बनाने में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था इनका एक अखबार था जिसका नाम है डॉन नॉट द uh, ग्यारह मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ने वाली डॉन नो नो डी ए डब्ल्यू एन डाउन एज इनकी सुबह डॉन बोले तो भोर डॉन बोले तो भोर हाँ तो वो जो सूरज उगने से और सुबह होने के बीच में जो थोड़ा सा समय होता है उसको डॉन कहते हैं 1897 से और फिर इन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई डॉन सोसाइटी नहीं डॉन डॉन मैंने मुझे डॉन क्यों निकल रहा है डॉन को मुकर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना हो ना डॉन डाउन डाउन ही बोलते डॉन व्हाट इज इट कॉल प्रोनाउंस हाउ डू प्रोनाउंस इट डॉन डॉन नेवर ये बहुत पहले से काम कर रहे थे इन्होंने बाघा चतुष्पथी अट्ठारह में बेसिकली नेशनल uh, एजुकेशन की बेसिकली स्थापना कर दी थी ही टुक अ लीडिंग फॉर्म इन द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो ये 1906 में बनती है और उसके बाद बंगाल नेशनल कॉलेज में लेक्चरर बन गए और फिर बाद में उसके प्रेसिडेंट भी बने थे जब और बिंदो ने रिजाइन कर दिया था अब ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था इसका उद्देश्य था कि लिटरेरी साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन के लिए नेशनल लाइन्स पे और अंडर नेशनल कंट्रोल तो जो जो चीजें ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे वो उनके अगेंस्ट कर रहे थे तो दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू गेन दैट कंट्रोल बैक वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से चीजों को कैसे हटाया जाएगा एंड दिस वाज वन की एजुकेशन का एक तरीका था और एजुकेशन को वर्नेकुलर मीडियम वर्नेकुलर अर्थात की जो लोकल भाषा में होता है उसके अंदर पढ़ाया जाए एंड सो ऑन एंड ऑन याद रखिएगा कि सतीश चंद्र मुखर्जी जो है वो स्वदेशी मूवमेंट के समय में नेशनल एजुकेशन में उनके बड़े सारे से कंट्रीब्यूशन थे एक तो एजुकेशन हो गया स्वदेशी का और दूसरे उस समय जो स्वदेशी इंडिजीनियस एंटरप्राइजेज है ठीक है उन्होंने लोगों ने बड़ा काम किया है कि स्वदेशी एंटरप्राइज को आ, किस प्रकार से आ, प्रमोट करें स्वदेशी स्पिरिट जो जागी है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में या बॉयकॉट करने में नहीं होगी लेकिन उस समय के टेक्सटाइल मिल्स में फैक्ट्रीज में बैंक्स इंश्योरेंस कंपनी शॉप्स मतलब कि ये जो उन्नीस का डेकेड चल रहा है यहाँ पे एक स्पिरिट डिवलप हो रही है आत्मशक्ति की लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड दैट इज बीइंग शोन इन एवरीथिंग दैट इज बीइंग शोन दैट इज बीइंग शोन इन द एजुकेशन सेक्टर दैट इज बीइंग शोन इन द आर्ट एंड कल्चर सेक्टर दैट इज बीइंग सेन इन द पॉलिटिकल सेक्टर दैट इज ऑल्सो बिंग शोन इन द इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिकल सेक्टर लोग जाग रहे हैं दे आर एक्चुअली गेटिंग कॉन्फिडेंट ठीक है वो टेक्सटाइल मिल्स मैच फैक्ट्रीज टैनरी बैंक इंश्योरेंस कंपनीज शॉप्स शॉप्स बना रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं था कि बिजनेस एक्यूमन या बिजनेस करने की कोई थी चाहती रादर जब पेट्रियोटिक रील की वजह से ये सारी की सारी फैक्ट्रीज बन रही हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है वीओ चिदम्बरम पिल्लई वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने एक नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज स्टार्ट की थी जिसका नाम था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी ये जो पिक है ना स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी टूटिकोरिन में ये उसका शेयर सर्टिफिकेट है हिस्टोरिकल ट्रेजर ठीक है और इन्होंने बेसिकली जो ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी हुआ करती थी उसको चैलेंज भी किया था मतलब कि आप ये समझ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दैट टाइम मतलब तो नहीं होगी लेकिन टाटा स्केल लेवल का और उन्होंने अंग्रेज इट्स जस्ट इमेजिन उसे ओला लाइक उबर बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है और ओला बेसिकली इंडियन बेस्ड कंपनी है राइट सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि इंडियन जो ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी थी उसको चैलेंज किया है एक भारतीय ने क्योंकि उस समय हमारे अंदर स्वदेशी की जो भाषा है जो आ जा रही है एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर मॉडलिंग फॉर दी बॉर्नविटा या दैट इज अ ट्रू फोटो

बेसिकली दिंग वॉज दैट की देर वॉज न्यू स्ट्रीक जिसमें बेसिकली लोगों ने स्वदेशी को अपनाना स्टार्ट कर दिया था और ग्रेट द थिंग्स फॉर हैपनिंग ग्रेट गुड थिंग्स फॉर हैपनिंग एक्चुअली फॉर दर्ल्ड एंड द इंडियन स्वदेशी मार्केट कल्चरल स्फेयर में अगेन यहाँ पे रट्टा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज एजुकेशन इफेक्ट नहीं होती है रविंद्रनाथ टैगोर रजनीकांत सेन द्विदेंद्र द्विजेंद्र लाल द्विजेंद्र लाल रे मुकुंद दास सैयद अबू मोहम्मद इन सब ने उस समय कविताएं लिखी पोएम्स लिखी आ, क्या नाम है आ, प्लेज लिखे जिनके सारे के सारे जो जिनके कलर्स जो थे वो नेशनलिस्ट थे टैगोर का तो अमार सोनार बांग्ला जो था रिटर्न ऑन दिस ओकेजन वॉज वो रेटेड टू इंस्पायर द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ द बांग्लादेश ऑल्सो और उसके बाद उनकी नेशनल एंथम भी बन गई तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीता सुदेश गीतम स्पेसिफिकली अगेन ऑफ द पार्ट ऑफ द Uh, स्वदेशी मूवमेंट। अभिंद्रनाथ टैगोर ये भी बेसिकली टैगोर फैमिली से ही एसोसिएटेड है इन्होंने पेंटिंग्स में बेसिकली अजंता मुगल और राजपूत पेंटिंग से इंस्पायर होके जो ये यूरोपियन विक्टोरियन पेंटिंग्स थे इनकी डोमिनेशन को तोड़ा नंद बोस नंद बोस ने बेसिकली इंडियन आर्ट में बड़े सारे से डिपेंड किए एंड जगदीश चंद्र बोस प्रफुल्ल चंद्र रे ओरिजिनल रिसर्च देखो एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ नो डाउट्स अबाउट इट वन एवर यू रीड इट द बुक वैन यू रीड द नेम्स और जैसे इसको पढ़ के आगे चले जाओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा Precisely, that is how it works because they आर ऑल that information इज without द context. बट हिस्ट्री बुक्स आर लिमिटेड by द स्पेस तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम मेंशन कर सकती हैं, थोड़ा बहुत बता सकती हैं, और आगे जाना पड़ेगा इफ यू नीड टू लर्न these थिंग्स जो इस प्रम्स के जो क्वेश्चन आएंगे यू विल नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस स्लाइड और दिस पेज ऑफ द बुक आप एक बार सर्च कीजिए कि ये कौन है भाई सुब्रमण्यम स्वामी और जिसने सुदेश गीतम लिखी है सु, सुब्रमण्यम भारती और सुदेश गीतम लिखी है और किस बारे में लिखी गई है रीड द विकीपीडिया पेज ऑफ इट स्लाइटली विकीपीडिया अबिंद्राथ टैगोर ने ये क्या व्हाट वट दिस मीन कि उसने विक्टोरियन जो नेचुरलिज्म थी उसकी डोमिनेशन को तोड़ा था एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द अजंता मुगल एंड दधी राजपूत पेंटिंग्स आल्सो यू शुड देन देन हैव टू टू स्टडी अबाउट द अजंता मुगल एंड एंड राजपूत पेंटिंग्स पे जितने भी नाम है दिवजेंद्र लाल रे एक बात बता, चलो चलो मैं एक पूछता हूँ कोई एक बता देना ओके okay, ज्यादा नहीं पूछूंगा किसके बारे में पूछूंगा आपसे सुदेश गीतम के बारे में पूछते हैं कि सुब्रमण्यम भारतीय तमिलनाडु में एक किताब लिखे हैं, सुदेश गीतम व्हाट डज इट टेल अबाउट किस चीज के बारे में है ये एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन कितने लोग हैं जिन्होंने बेसिकली इसके अंदर आइडिया नेशनलिस्ट का था कि इसको मास पार्टिसिपेशन में बदल देंगे राइट लोग भी इन्वॉल्व होने चाहिए क्या ये सक्सेसफुल हुए क्या नहीं हो पाए काफी ज्यादा था देखो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था स्वदेशी मूवमेंट क्वेश्चन है देखो क्या स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था यस yes. वीमेन ने पार्टिसिपेट किया था यस yes. मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था वेल वेरी फ्यू मुस्लिम पार्टिसिपेटेड मोस्ट ऑफ द लार्ज क्या नाम है सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कैप्ट अवे फ्रॉम द स्वदेशी मूवमेंट ये बेसिकली जो पॉइंट है ये सिर्फ इसी चीज को पढ़ने के लिए है देखो मैं दिखाता हूँ उन्होंने स्टूडेंट पार्टिसिपेशन वॉज विजिबल इन बंगाल महाराष्ट्र पूना में मैनी पार्ट ऑफ द साउथ में गुंटूर मद्रास में बेसिकली हर जगह पे स्टूडेंट्स बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स जो भी बेसिकली मिलते थे गिल्टी ऑफ पार्टिसिपेशन दे वर डिस्कालीफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उनको नहीं मिलते थे फाइन होता था अरेस्ट होता था लेकिन उन्होंने फिर भी पार्टिसिपेट करना नहीं छोड़ा वुमेन वुमेन जो कि बेसिकली ट्रेडिशनली घर पर रहती थी बट दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट वेयर वुमेन्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन अ मूवमेंट आउटसाइड ऑन द रोड ओके जहां पे एंड फ्रॉम हियर ऑन फ्रॉम हियर ऑन फ्रॉम नाइनटीन नॉट फाइव स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बाद वुमेन बेसिकली इन, पार्टिसिपेट करती रहेंगी स्टैंड ऑफ मुस्लिम है यहां पे एक्चुअली में जो क्वेश्चन है इसलिए स्वदेशी और बॉयकॉउट मूवमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है स्टूडेंट यस यस मुस्लिम्स लिसन टू मी बैरिस्टर अब्दुल रसूल लियाकत हुसैन गजनवी मौलाना आजाद ठीक है ये जो लोग थे दे पार्टिसिपेटेड हमें नाम याद रखने हैं दो तीन लोगों के कि दे दे पार्टिसिपेटेड बट मोस्ट ऑफ द अपर एंड द मिडिल क्लास दिडिलस्लिम स्टेड अवे रीजन क्या थे ढाका ढाका आजकल तो ढाका कहते हैं ढाका के नवाब थे जिनका नाम है नवाब सलीमुल्लाह ठीक है नवाब इन्होंने बेसिकली पार्टीशन को सपोर्ट किया था क्योंकि इनको लग रहा था और करजन ने इनको समझाया था कि ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगा दैट इज एग्जैक्टली गुड सिचुएशन फॉर यू टू टू फर्दर गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बेसिकली बना दी गई थी दिसंबर तीस उन्नीस को इंटरेस्टिंग यू नो डिसाइव में और ये भी दिसंबर में बनी है एंड नवाब डका आल्सो जो नेचर ऑफ स्वदेशी मुस्लिम्स अब बेसिकली मुस्लिम डेंट पार्टिसिपेट इन ए लार्ज वेरी स्पेसिफिकली स्पीकिंग मूवमेंट वॉज नॉट एबल टू गर्नर द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम स्पेशली द मुस्लिम प्रेजेंट्री क्यों क्योंकि गवर्नमेंट एक्चुअली में कॉन्शियसली ट्राई कर रही थी कि कैसे इन लोगों को डिवाइड एंड रूल किया जाए तो सोशल बेस ऑफ द मूवमेंट बढ़ा था जमींदारी में स्टूडेंट्स में में डेफिनेटली लोअर मिडिल क्लास इन सिटीज और टाउन्स यस विलेजेस में नहीं पहुंचा था टाउन्स और सिटीज में फिर भी थोड़ा सा इंक्लूड हुआ था बट मुस्लिम्स वर वन वे और द अदर बेसिकली कैप्ट अवे फ्रॉम दिस ऑल इंडिया एस्पेक्ट में देख बात करें तो प्राइमरली इट वॉज एक्चुअली डोमिनेटेड जो हमारी पूरी पूरी मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे कहा इट इज मोर लेस इन दी बंगाल लेकिन तिलक ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किए कि इसको बेसिकली बंगाल से बाहर भी लिया जाए ठीक है एंड पॉपुलर मास स्ट्रगल कैसे जगाया जाएगा पूरे के पूरे हिस्ट्री में उसके जो सबसे पहले लेसन थे वो हमारी स्वदेशी और बॉयकआउट मूवमेंट देके जाती है ये पार्टीशन के बारे में एक बात बता देता हूँ इंटरेस्टिंग बात में इसको डिस्कस करेंगे पार्टीशन को बाद में अनल कर दिया गया था 1911 में ठीक है क्योंकि पार्टीशन के बाद रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था उसको कर्ब करने के लिए अंग्रेजों को लगा कि पार्टीशन को अनल कर दिया जाता है अब पार्टीशन से ये जो मुस्लिम पॉलिटिकल इलीड था जो कि बेसिकली पार्टीशन को सपोर्ट कर रहा था इनको धक्का तो बहुत लगा और साथ ही साथ जो उस समय इंडिया की कैपिटल थी वो बेसिकली कलकत्ता से हटा के डेली शिफ्ट कर दी गई थी नाइनटीन में ऐसा हुआ था सो दैट दॉज इट दैट वॉज वेरी स्पेसिफिकली एट हमारा जो स्वदेशी मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट को इवेल्युएट करेंगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पूरा का पूरा थोड़ा सा हम छोड़ के चलते हैं इफ यू नीड दी पी डी एफ ऑफ दिस क्लास टेलीग्राम चैनल इज अवेलेबल इफ यू नीड टू कनेक्ट विद मी ऑल्सो वाई डोंट यू विश है टिल देन दिस इज प्रोबेबलीक्चर सो स्टे ऑन द्लास टूडे टिलेरी नाइस